तू तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान, कुछ लाख के सोने के लिए हजारों जिंदगी खतरे में डाल दी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है वर्दन। तेरा नाम सबसे ऊपर होगा सुल्तान। डोगरी में गोलीबारी हो रही है, सारे मोबाइल यूनिट फौरन रिपोर्ट करें। सारे मोबाइल यूनिट फौरन रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर चौहान फौरन रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर चौहान, इंस्पेक्टर चौहान कम इन अर्जेंटली। इंस्पेक्टर चौहान हेडक्वार्टर्स कॉलिंग। उठाता क्यों नहीं? स्पीकर फटने को आया है। अरे चलने दे बॉम्बे को, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। तुझे क्या लगता है किसने किया होगा ये? अब इसका जवाब तो एग्नेल साहब ही दे सकते हैं। सर क्या हुआ? एग्नेल साहब को होश आ गया। सर सर क्या हुआ सर? कौन था वो? किसने किया ये सब? आप उसका नाम बताइए सर। सारी जिंदगी सलाखों पे सर पटक के रोएगा वो। सर बोलिए सर, कौन था वो, क्या नाम है उसका? एग्नेल विल्सन। क्या? मैंने तहकीकात कर ली है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं। मतलब? मतलब ये कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम सर? चौहान, ना तो गाड़ी में कोई डेंट है ना डैमेज हुई है, और गाँव वालों से पूछा मैंने, ना एक्सीडेंट हुआ ना ब्रेक फेल हुए, गाड़ी को सीधा खाई में जाते हुए देखा था लोगों ने। बताना तो तुम्हें पड़ेगा एग्नेल, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की तुमने? आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम कमजोर पड़ गए। फर्श से भाग रहे थे या डर गए? फर्श से नहीं सर, अपने आप से भाग रहा था, और मैंने जिस मुश्किल में शहर को डाला है, मुझे मौत भी आसानी से नहीं आएगी। जो भी इस शहर में हो रहा है अग्निल, उसकी वजह तुम नहीं हो। धमाकों की आवाज में दफन है बंबई, और इस सब की वजह मैं हूं। एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था, आज देखिए पूरा शहर हिल गया है। कौन आदमी, किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा? इस कहानी की शुरुआत सुल्तान से ही हुई थी। सुल्तान मिर्जा आजादी के साल दो साल बाद ही मद्रास में एक जबरदस्त बाढ़ आई। अपना सब कुछ गंवा कर वो दो हाथ का लड़का बंबई आ गया। अगर वो बाढ़ ना आती
तो शायद बंबई को सुल्तान नहीं मिलता और सुल्तान को बंबई। समुंदर किनारे गोदी में उसे काम मिल गया। सुना है कि सारा दिन कोयले के बीच काला होने के बाद उसे चार आने मिल जाया करते थे। उस छोटी सी उम्र में भी सुल्तान को दिल जीतने का हुनर अच्छे से आता था। तू मेरे को भीख देगा तो खुद क्या खाएगा? दुआ, आपकी दुआ खाऊंगा। आप बड़े हैं ना, तो आपकी दुआ से मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ। जेब खाली है तेरा और बातें सुल्तानों वाली करता है। बस उस दिन उसका नामकरण हो गया सुल्तान। उसकी कम उम्र और मासूम चेहरे ने उसका बहुत साथ दिया। मजदूर से मालिक बनने का सफर शुरू हो गया था। मछली की टोकरी में छुप के आया वो बच्चा एक दिन समुंदर पर राज करेगा, किसे पता था। पर ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था। सुल्तान, हमें पठान का साथ नहीं देना चाहिए, दुश्मन है वो हमारा। जब दोस्त बना के काम हो सकता पैट्रिक, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? ट्रक में 6 लाख का सोना है। पुलिस को मालूम है कि ये सोना शहर में पहुंचेगा जरूर, इसलिए शहर के हर रास्ते पर कड़ी नाकाबंदी है। माल आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे तू हुआ था, ऊपर वाले की दुआ से, थोड़ी मेहनत से और बहुत सारी लगन से। काम हो जाएगा। ए, सबकी तलाशी ध्यान से लेना। अरे फाटक क्यों नहीं खोल रहा, हमें देर हो रही है। चेकिंग चल रही है। बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान, कुछ लाख के सोने के लिए हजारों जिंदगी खतरे में डाल दी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है वर्दन।
तू दिलेर भी है और दरिया दिल भी। तेरा नाम सबसे ऊपर होगा सुल्तान। सुल्तान को बंबई से प्यार हो गया था। वो नहीं चाहता था कि बंबई की सड़कों पर दहशत फैले, इसीलिए उसकी पठान, विष्णु, वर्धन और वर्गीस से मुलाकात जरूरी थी। लड़के सबके तेज हैं, बाजुओं में सभी के दम है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। सोच लो, बात खत्म करनी है या कहानी शुरू? तू कहना क्या चाहता है सुल्तान? कौन सी चौकी में सबसे ज्यादा सलाम होता है वर्धन? धारावी। तो फिर ठीक है, धारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक हम में से कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। सुल्तान, ये बंटवारा हमें मंजूर ना हो तो? मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने धंधे में बड़े बने। लो, काट लो एक दूसरे को। हम सब आपस में लड़ेंगे, उससे पुलिस का काम आसान होगा, हमारा नहीं। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? डोंगरी चौकी से लेकर साइन चौकी तक आपका। वर्गीस भाई, गुलाबा चौकी से लेकर तारदेव चौकी आपका। सुना है आप बहुत तेजधार अंग्रेजी बोलते हो, वहां काम आएगी। बैंड्रा चौकी से लेकर बरसुआ चौकी विष्णु आपका। पुलिस चौकी के हिसाब से शहर बांट रहे हो सुल्तान? चौकियां चाहे पुलिस की हो, शहर के कमिश्नर तो हम ही लोग हैं। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं। समुंदर है ना मेरे पास, यह समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इसकी लहरों पे कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। जिंदा थे वो लोग जिनमें हालात बदलने की हिम्मत थी। जिस चीज पर हमने रोक लगाई उसी चीज की उन्होंने स्मगलिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने ऊपर चढ़ने के लिए कानून को ही अपनी सीढ़ी बनाया। दागा साहब, छह मिल के मालिक हैं, भाई से झगड़ा हो गया। ये काम तो पुलिस का है। पैसा तो वहां भी देने हैं, आपको भी? मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। सुल्तान भाई, मेहरबानी कीजिए सर। दागा साहब के लिए एक टैक्सी मंगाओ। मैं टैक्सी से क्यों जाऊंगा, मेरी तो गाड़ी। मैंने कहा ना, मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। का खाना पीना ठीक से करना और दुआ में याद रखना। कोरट कचहरी से नहीं डरता हूं मैं, समझी क्या? छूटने के बाद सबसे पहले तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। ए, चुप, चल। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप बनकर आता हूं। नाम याद रखना, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान हर आदमी के साथ था। जहां जहां सरकार गरीबों की मदद करने में चूकी, वहां वहां सुल्तान उनके लिए आगे बढ़कर खड़ा हो गया। बुजुर्गों की कहानियों में एक ही राजा होता था,
इस कहानी में दो हैं, एक राजा बना अपने जिगर से, दूसरा अपनी जिद से बनना चाहता था। क्या नाम है तेरा? शोएब खान। और तेरा? जावेद। पैंट पहनना शुरू नहीं किया और चोरी करना चालू? निकल में भागने में आसानी रहती है ना। जुबान चलाता है? चल पुलिस स्टेशन। मुझे अंदर करके कौन सा मेडल मिलने वाला है? देखो आधे सिक्के रख ले, दो तीन थप्पड़ मार और बात खत्म कर। अबे चिंदी चोर, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुल्तान मिर्जा हो। कौन है तेरा बाप? क्या नाम उसका? उसे भी बुलाता हूँ पुलिस चौकी में। बुलाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ही रहता है पुलिस वाला, वो भी सब इंस्पेक्टर खान। क्या? अरे जाने दो ना साहब, अब्बा बहुत मारेगा। तभी तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। चल चल पुलिस स्टेशन, चल। तू बड़ा है ना, तेरे में जोर ज्यादा है, पर याद रखना जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जाएगा तेरा घटता जाएगा, जैसे जैसे मेरा जोर बढ़ता जाएगा तेरा कम होता जाएगा। तब दिखाऊंगा जितना मेरा बाप मुझे आज मारेगा सब चुपचाप कर दूंगा, सूद समेत। साले ऐसी कौन सी जरूरत है तेरी शोएब जो पूरी नहीं होती? बोल बोल। न तेरी आंखों में शर्म है ना माफी। आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। आज मैं तुझे सीधा करके छोड़ूंगा शोएब। खान क्या कर रहे हो भाई? पांच थप्पड़ मार चुके हो तुम मुझे, अब जाने भी दो, बच्चा ही तो है। पांच और सूद के साथ छह। बच्चे बच्चे में सुल्तान बनने की चाह थी, पर सुल्तान के दिल में एक ही नाम था, रेहाना। इस कहानी की सबसे खूबसूरत और अहम कड़ी रेहाना। तो कमाल ही कर दिया। Congratulations. एक मौका मुझे भी दीजिए प्लीज रिहाना जी, और मेरी फिल्म भी कर लीजिए। हमारी मैगजीन की पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure. आपने बचपन में भी काम किया और आज भी आप एक कामयाब हीरोइन हो। इतनी लंबी इनिंग्स रिहाना जी, कैसा लग रहा है? बचपन में काम करती थी तो लगता था सब खेल है, और अब काम कर रही हूँ क्योंकि खेलने की उम्र नहीं रही। इस बार तो तुम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत गई हो, लेकिन इस बात पर ज्यादा मत इतराना, मेरी आने वाली चार फिल्में काका के साथ है। जानती हो उन्हें लोग क्या कहते हैं? सुपरस्टार। एक्चुअली सुपरस्टार। वन लास्ट क्वेश्चन, आप सबकी ड्रीम गर्ल है, आपका ड्रीम मैन कौन है? ना कोई सुपरस्टार और ना ही कोई जुबली स्टार, मेरा ड्रीम मैन वो होगा जो 60 सेकंड में मेरा दिल जीत ले। चंद्रू गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे रेहाना जी आ गई। एक मिनट भाई, पहली बार मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना है। चार आने का है साहब। ये तो बड़ा है, ये महंगा होगा। अरे साहब कोई भी उठा लो, सब चार आने का है। सोच, ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसके बाद कोई और अमरूद नहीं उगेगा। अब ये कितने का है? 4 रुपए। सोच, मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर उगाया, सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था, अब ये कितने का है? 40 रुपए। अबे यार सोच, आदम ने सबसे पहले सेब नहीं ये अमरूद खाया था, अब ये कितने का है?
400 रुपए। 400 रुपए। एक कुर्सी ले आओ। कुर्सी आने तक यहाँ आराम कर लो। जब तक तुम जैसे मर्द दुनिया में हैं, औरतों को आराम कहाँ। ज्यादा छुईमुई बनने की जरूरत नहीं है, हा? खुली किताब हो, एक दो पन्ने हम पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फायदे में रहोगी, समझी। तुम शराफत का पाठ पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए। ए कौन है तू, हा? पूरे 400 रुपए का खरीदा है। महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते कोई महंगा खरीद लिया। अरे देखो भाई देखो, रेहाना जी के चाहने वाले उनके लिए 400 रुपए का पेरू लेके आए हैं। चल दे दिया ना, अब फुट यहाँ से। आज रात खाना खाएंगे आप मेरे साथ? अबे ओ अमरूद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रेहाना जी तुम्हारे जैसे राह चलते के साथ खाना खाती फिरती है क्या? हा? जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्तों पर ही तो मिलते हैं। अबे ओ शायर, बंद कर अपनी महफिल, नहीं तो अभी क्षमा बुझा दूंगा तेरी में। क्या ये क्या कर रहे हो? मैं दिल लगा रहा हूँ, तू जुबान लड़ा रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानते तुम किससे बात कर रहे हो? देखिए तेरी 2-4 फिल्में, हंसता है तो ऐसे लगता है कुत्ता हाँफ रहा है। अभी तुझे बाहर फिकवाता हूँ। हंस के दिखा, हंस के दिखा। क्या नाम है तेरा? हंस। क्या नाम है तेरा? हंस। ये बड़ा इधर आ। नाम बता मेरा। सुल्तान मिर्जा। सुल्तान भाई, गलती हो गई, मुझे वाकई एक्टिंग नहीं आती सुल्तान भाई। चुप। आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी सबसे पसंदीदा जगह पर। सुल्तान जी, सुल्तान जी, रेहाना जी। चुप। नहीं मरे दादा, मरे दादा, मरे दादा। नहीं मरे, मरे दादा। एक आलू गोभी। ओके सर। सर आज भी आलू गोभी? राइट सर। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। यकीन नहीं हो रहा लेकिन यकीन था कि आप जरूर आएंगी। सुल्तान मिर्जा, राइट? आप यहाँ कैसे? आपको कहा तो था कि आपकी पसंद की जगह पर इंतजार करूंगा, तो कर रहा हूं। आपकी सुई अभी भी वही अटकी हुई है? इस बात को तो 15-20 दिन हो गए ना? 18 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और रोज आलू गोभी खा रहा हूँ। आलू गोभी क्यों? सुना है आपको बहुत पसंद है, ऑर्डर करूं? आज भी आपको अकेले ही खाना पड़ेगा, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं, एक फिल्म की कहानी सुनने आई हूँ। और आज करेला ऑर्डर कीजिए, मुझे वो भी बहुत पसंद है। इस्माइल। यस सर। एक करेला। ओके सर। आज भी आप किसी की कहानी सुनने आई हैं या हमारी कहानी आगे बढ़ेगी? बेसब्र आदमी जबान भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। एक बात कहूं, जब जब कोई हीरो आपको पर्दे पर छूता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, जब भी आप पर्दे पर रोती हैं मैं कुर्सी पर रोता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो फिल्म अनपढ़ बाप, जब आप हीरो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो मां कसम आप पेट से लग भी नहीं रही थी और मैंने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। क्या मैं आपको एक बार छू सकता हूं?
ऐसा क्यों? मैंने हमेशा आपको टिकट लेकर देखा है। आज आप मेरे सामने बैठी हैं तो देखना चाहता हूं कि ये सच है या सपना। कौन हो तुम? सुल्तान मिर्जा। नाम तो मैं जानती हूँ और इसका असर भी देख चुकी हूँ, लेकिन सुल्तान मिर्जा है कौन? पता नहीं। अब ये मत कहना, ऐसा क्यों? जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी क्या कोई डिक्शनरी है जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाए? ऐसा क्यों? तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है, यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि दो लोग मिलकर घर बना लेते हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। वैसे भी आज पहली बार मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ऐसा क्यों? आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशी हो। जन्मदिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई। बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तोहफों के साथ, जिनकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती, जो मुझे मंजूर नहीं था। आज भी उस वक्त को याद करती हूँ तो सपने भी खिलौने आते हैं। तीन तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए, हर तोहफे के साथ एक पहेली है। हल कर लोगे तो तोहफा तुम्हारा। पहला तोहफा, बचपन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर। ऐसी चीज जेल? नहीं, हथकड़ी। सफेद कमीज, जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें रंगों से परहेज है क्या? रंगों से परहेज नहीं, काले से बैर। इस बैर की वजह? बचपन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में। गोदी में काम करता था, कोयला भरता था क्रेन में, बस वो काला कोयला मेरी रग रग में बस गया। यहां तक कि आंखें खुली रखो तो आंसू भी काले और बंद करो तो सपने भी काले। तब से इन पलकों का आराम नहीं। मेरा दूसरा तोहफा, इसमें ऐसी चीज है जिसे तुमने आज तक अपने गले से दूर रखा है। कानून का पंदा? टाई है टाई। तुमने आज तक मुझे टाई पहने हुए देखा है? तुमने मुझे अमरूद खाते हुए देखा है? लाए ना मेरे लिए। तीसरी पहली तुम रहने दो, इसमें घड़ी है, खोल के देख लो कैसी है। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? अच्छी है लेकिन चल नहीं रही। मिर्जा जी, ये अपनी मर्जी से नहीं चलती, कलाई पे पहनिए, आपके नब्ज के हिसाब से चलेगी। ये नब्ज के हिसाब से चले तो ठीक है, नब्ज इसके हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। इसी दौरान मेरी पोस्टिंग बंबई में हुई। बंबई रात की बाहों में रहता है और रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरनाक इरादे, कुछ खतरनाक लोग। कहाँ जा रहे हो आप? आज कहाँ की रखवाली कर रहे हो? बांद्रा। आज पहली बार सही रास्ते पे मिले हो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। बैठो। अभी ये दे। तू ये मार। अब्बा। क्या? चलो। अब्बा की ड्यूटी आज यहीं की है। तो फिर कल पे रखे। आज का काम कल पर छोड़ूंगा तो आज बुरा मान जाएगा। चल काम बता।
ये लो साहब। तो बहुत पिट गया है, इस हालत में घर भी नहीं जा सकता। वो घर देख रहा है, वहां जा, बेल बजा, डॉक्टर बुला और दरवाजा खोल के रख। चल कौन आ गया इतनी रात को? अरे देखो तो, क्या हुआ? कौन है ये? काफी भारी है, कैसा लगा मैम? वो दिखाना। ये नहीं नहीं, ये मैंने पसंद नहीं आया। ये लेटेस्ट डिजाइन है। अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है। तुझे हार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम, निकल यहां से। क्या? चल निकल। शोहेब क्या कर रहे हो? मैम आप रुकिए, आप रुकिए। अगर अभी नहीं गई ना तो जो पहन कर आई है वो जेवर भी यहीं छोड़कर जाएगी। शोहेब क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज बैठिए, ये देखिए, ये देखिए। और नहीं बेइज्जती करवानी हमें अपनी। मैम मरने की उम्र है और झुंझुना खरीदने के लिए। मैम मैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुमने सुधारना शुरू कर दिया। बातें मत बनाओ, काम बोलो, क्यों आए हो? बेचना है? पहनाना है। किसे? इसे, तुम्हें। किसके गले से निकालकर हमें पहनाने लाए हो? क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? हाँ, लोगों के गले काटता फिरता हूँ? जा, मुझे नहीं दे रहा तुम्हें। शोएब, ठीक है, नाराज मत हो। तो हाथ छोड़ो मेरा। हमने छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? शोएब क्या कर रहे हो? बिगड़ना शुरू कर रहा हूँ। शोएब तुम सुधारना मत। शाम का इंतजार नहीं कर सकते थे? शाम तक रुकूंगा तो सुबह बुरा मान जाएगी। शोएब भागना, तुम्हें क्राइम को रोकना नहीं, खत्म करना है। माफिया बॉम्बे में है और बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 लोग जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी पूरा शहर इनके कब्जे में है। जहां दूरदर्शन नहीं, ये लोग वहां भी हैं। कोई आपसे दुश्मनी हो सकती थी, मगर सुल्तान ने कभी बढ़ने नहीं दी। उसने उन सबको अलग करके एक कर दिया। इसे जानते हो ना? इसे कौन नहीं जानता,
मशहूर फिल्म स्टार रेहाना। उससे भी ज्यादा मशहूर बात यह है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है। बाकी सब छुपके काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अखबारों में छपता है। तुम खुद सोचो, आज का नौजवान जिसे छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है। एक बार उसके रास्ते पर चलो, बंगला, गाड़ी, फिल्म स्टार सब मिल जाएंगे। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। इसे जेल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। You leave it to me, sir. Good luck. रामू, मोती, कहाँ चले गए सबके सब? घर में लाइट क्यों नहीं है? Cut. किसने कट बोला? Full lights. ओए मेरे होते हुए कट किसने बोला? कैमरा जब कर लो, ये सील करो सब कुछ, लाइन में लगाओ सब कुछ। चलो चलिए मैडम। ओ पाई साहब, कमाल करते हैं आप। ओ कौन है आप? पहले आप कट बोलते हैं, फिर आप डायरेक्शन देते हैं, आप आखिर हो कौन? ये फिल्मी सीन नहीं है, सरकारी सीन है, और इसे डायरेक्ट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है। ACP एग्नल विल्सन, बॉम्बे पुलिस। बंद करो ये सब, चलो। आप मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है। ये मैडम नहीं है मुरली, बॉस है, सुल्तान मिर्जा की चहेती, तो सुर तो ऊंचे होंगे ही। यहाँ रुबाब दिखाने से क्या फायदा, ये मिजाज अगर सुल्तान मिर्जा के सामने दिखा तो माने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मैसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि रेहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है। अब ये पैसा सुल्तान ने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं है, तो गैर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्में भी गैर कानूनी। बंद कर दो ये सब। ओ नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिल्म अगर दोबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उठना बैठना ना हो, और भी बेहतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हैं, वरना फिल्में शुरू तो होंगी, उन्हें खत्म नहीं होने दूंगा। चलो बंद करो सब। या मैडम, वो लोकेशन की परमिशन नहीं मिली है इसलिए आज भी। किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फाइनल होती, और कभी हीरो डेट नहीं देता, तो आज भी शूटिंग कैंसिल। ठीक है, ये मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए वर्दी पहनकर देश से गद्दारी करना। देश से वफादारी किसी एक शख्स से गद्दारी से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। प्यार मेरे लिए वफादारी से बढ़कर है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जीना प्यार से बढ़कर। इंसान की दुखती रग उसकी हर ताकत से बढ़कर होती है। सुल्तान की दुखती रग हो तुम, और तुम्हारी एक्टिंग। ऐसे भी मुझे दो फिल्मों से निकलवा चुके हो तुम जीत गए। तुम सबूत लाइयो। तुम्हें मिलने का और क्या मकसद हो सकता है? ये लो। क्या है इसमें? ये समझ लो सुल्तान बंद है इसमें। जल्दी से इसे खोल कर देख लो, इससे पहले कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कोई देख ले। नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि इस इंस्पेक्टर ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझसे रिश्वत ली है। ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ है मैडम, छपके रहेगी। ओह गॉड, प्लीज हटिए यहाँ से, हटिए।
अम्मा, तू जब जब मिलती है कुछ अच्छा जरूर होता है। बेटा कैसा है? महंगाई के साथ साथ वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर, उसे पढ़ा। मैं हूं ना। तुम जितना कर रहे हो ना, कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। दस पैसे के अखबार ने एक बड़े ऑफिसर की इज्जत को उछाल दिया। अब सर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर या रिजाइन? कौन हो तुम? क्या सर? कौन है तू? सोहेल खान। नाम नहीं पहचान बता। इंस्पेक्टर सोहेल खान, बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच। बीवी है घर पे? जी है। रात बाजारों के साथ गुजारता है या बीवी के साथ? बीवी के साथ सर। तनख्वाह तो तू पुलिस की लेता है, रिश्वत किस किस की लेता है? सर इसका इल्जाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पे। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है उनके साथ? सर क्या बात कर रहे हैं, दोजख में थोड़े ही ना जाना है मुझे। जब तू कोई गलत काम नहीं करता, इंस्पेक्टर सोहेल खान बम्बई पुलिस क्राइम ब्रांच, तो एक गुंडे की हरकत पे ताली क्यों बजा रहा है? आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खोला तो ठंडा कर दूंगा सबको। तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन, पिछवाड़े में लात मार के बाहर निकाल दूंगा। बाकी है, मुझे एक सुराग, एक मौका, एक मोहरा चाहिए तुझे खत्म करने के लिए। अगर मैं तेरा बाप नहीं होता ना, तो इस वक्त तेरे पे मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेल में सड़ता तू। उस लड़के ने तुझे देख लिया था, पर मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। घूर मत, सड़ आज रात तू जेल में, ऐसे काम का यही अंजाम है। बैठ। अब्बा। क्यों आ गई अकल ठिकाने? अपनी अकल देखिए, ताला खुला छोड़ दिया। तेरी तो कान। गर्म जोशी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो खुद को जला देती है। बर्फ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फायदा साहब, थोड़ी देर अकड़े फिर पिघल गए। जो खुद नहीं पिघलते उन्हीं को पिघलाने के लिए कानून बना है। कानून तो मुझे अपने बाप जैसा ही लगता है, कमजोर, लाचार, गरीब। चुप कर बदतमीज।
यही है आपका कानून? हाँ, एक तमाचा, चार बात, एक रात हवालात। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और शहर में करना ही क्या है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। सलाम सुल्तान भाई। कौन सा घोड़ा खेला है? 6 नंबर। लेकिन तुम यहाँ घोड़े के लिए नहीं आए हो, काम बोलो। रेस खत्म हो जाए फिर बात करते ना सुल्तान भाई। रेस खत्म होने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा बोलो। थोड़ी निजी बात है, मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, कल खुद मैंने उसको जेल में बंद किया है। मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिगड़ता जा रहा सुल्तान भाई। अगर आप, मैंने सोचा था आप कुछ कर देंगे तो। अपनी तरह वर्दी और वतन की कसम दिला दो। उसके बस की बात ही नहीं है सुल्तान भाई, गरम खून है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ सुल्तान भाई। जिंदगी भर मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार आप अगर मेरी मदद कर दें तो। आपके इतने सारे बिजनेस हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है सुल्तान भाई, किसी एक में लगवा दीजिए, लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी। तेरे बाप ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, ये भी उधार है, कमा कर चुका देना और अपने बाप का नाम रोशन करना। आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करूंगा, कम से कम आपको तो खुश रख सकूं। शोएब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अपना और इसका चालू है भाई। शुक्रिया। सही लोगों से पहचान बना लिए शोएब, अब तो तेरी मंजिल भी तुझे मिली जाएगी। क्या खान, 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह ही दुकान से भाग आए। भाग के नहीं आया, पहली बोनी करके आया हूं, तेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूं। तो दो यहां सबके सामने, चल कोने में चल। चलना शायद।
लड़कियों के लिए कौन सी दुकान से तोहफा लाते नहीं मालूम तुम्हें? क्यों, इस पे क्या खराबी है? हाँ? चकना भी लेके आया हूँ। केक या पेस्ट्री नहीं ला सकते थे? वो तो जन्मदिन में खाते हैं ना, बोनी हुई है, पैदा नहीं हुआ मैं। एक मुमताज को ताजमहल और उसी को ये सब कुछ। तुझे मेरे प्यार की कदर नहीं है, पता है मेरे दोस्त ये बोतल देके कितना खुश होते हैं? तो जाओ ना अपने दोस्तों के पास, उनके साथ पियो, हम पर ही मेहरबानी क्यों। कभी लड़कियों जैसी खुशी मनाई नहीं है ना मैंने, जिन गालों को चुमना था उन्हीं को गीला कर दिया। हाँ चल मार मुझे, मार, लेकिन रो मत, मार मार मार। दूसरे गाल पे मार। क्या प्यार में हल्का हल्का मारती है, जोर से मारना। तुम हमेशा मौके की तलाश में रहते हो, है ना? जो मौका छोड़ दे वो कैसा मर्द। ये डोंगरी एक ज्वालामुखी की तरह है सर, हमेशा दहकता रहता है। आपका वहां जाना ठीक नहीं है। दिल्ली से बॉम्बे क्या मैं ये सुनने आया हूँ कि मैं अपने ही राज्य में खुलेआम नहीं घूम सकता? आई एम सॉरी टू से सर, पर अगर ये बात आप नेताओं ने पहले सोच ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज़ादी से आज तक वहाँ के लोग ना तो फैले हैं ना बड़े हैं, बस सिकुड़ते ही जा रहे हैं, अपनी ही गरीबी में, लाचारी में। उनके गुस्से की लहर सैलाब बन चुकी है सर। पुलिस साथ है तो फिर डर कैसा? जितने पुलिस वाले हैं उससे ज़्यादा तो गलियाँ हैं वहाँ पर। किसी सरफिरे ने चप्पल मार दी तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। अगर पुलिस सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो फिर और कौन देगा? सर एक आदमी है। कौन है वो? सुल्तान मिर्जा। प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों के लिए ही यहां आया हूं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब घूरे जा रहे हैं। सरकार खुद चल के तुम्हारे पास आई है, सुन लो क्या कहती है। बोलिए मंत्री जी, सब सुन रहे हैं। पॉलिटिक्स में आ जाओ, जीत जाओगे। अगर हमारा कैबिनेट पॉलिटिक्स में आ गया तो आपका कैबिनेट कबाड़ियों के भाव बिक जाएगा।
जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। बात में तो दम है तेरी, लेकिन स्मगलर बनने का दम हर किसी में नहीं होता। नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। सुल्तान ने काम क्या दे दिया, उसकी सारी बातें ठीक लग रही है तेरे को? सुल्तान ने जो दिया है वो सरकार भी नहीं दे सकी, रोजी रोटी। तो बोल गट्टू, कौन बड़ा, सरकार या सुल्तान? अरे तुम लोग जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से पांव तक पापी आदमी है। सही गलत का तोलमोल करने वाले हम कौन होते हैं? हाँ, वो एक से छीनते हैं तो दस में बांटते भी हैं, मारते हैं तो बचाते भी हैं। ना मुझे उसके सर पर बैठना है ना पैरों पर गिरना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। वजह तो है, पैसा। हाँ, और इसे भी जल्दी 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 पैसे कमाने का भूत सवार रहता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस खेल में जो पावर है ना उसका नशा ही अलग है। अपनी दुकान की तरफ ध्यान दे शोएब, अगर मैं तेरी जगह पे होता ना तो इन स्मगलर्स से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। मेरे जो जेवर चोरी हुए ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप क्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, हमें जरा और जेवर दिखाएंगी आप? तुम्हें मेरे जेवरों की फिक्र होती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन बैठे होते। 40 बार फोन कर चुका हूँ मैं। मैडम, हम आपको कोई हार दिखाएं? ये देखिए, पहले इसे उतारो जो पहना हुआ है। नहीं मैम, ये बिकाऊ नहीं है। कमीनी चोर मेरा हार पहन के मुझे ही तेवर दिखा रही है। चलो उतारे से। ये तुम क्या कह रही हो? अरे देखो रमन, ये मेरा हार है, मेरी निशानी लगी है इस पर। चल उतारे से, चोर कमीनी। हद से ज्यादा पढ़ रही है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे और आप हमें चोर चोर कह जा रही है। ठीक है, तूने नहीं चुराया होगा, लेकिन किसी चोर से तो लिया होगा ना तूने। क्या बात है मैडम? अरे ये मेरा हार पहना हुआ है इसने, मेरे घर से चोरी हुआ था, पूछिए इसे कहां से आया इसके पास। चोर नहीं है ये हार, हमें शोएब ने दिया है। शोएब? ये शोएब कहां मिलेगा? ये देखो, यही है वो शोएब। कहा था ना मैंने, चोर कहीं का। हाँ। तुझे चोरी का हार दिया है इसने। हाँ। यही आया था हमारे घर, हमें बांध कर गया था, सारा सामान लेकर गया था। हाँ। अरे क्या हार कर रहे हो यहाँ पर छड़े होकर? अंदर जाकर देखो, सामान भेज दिया, बेच खाया इसने। ऐसे कैसे बेचेगा सामान हमारा, बेचेगा ये? अरे ओ भाई, अरे हमारा सामान कहाँ है? अरे हमारा रेडियो, हमारा टीवी। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब हमारे घर में आए, हम बांध के चले गए और हमारा सारा सामान लूट लिया। घोड़ों पे पैसे लगाते लगाते गधे पे कब से लगाने लग गए? डुबो दिया ना इसने सब। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। भाई का एहसान मानना तो दूर, तेवर देखो साहब के। एहसान अब्बा पर किया था, मुझ पर नहीं। अपने साथ काम करने दो फिर देखो, नुकसान का पैसा दुगना वापस नहीं किया तो कहना। तुझे क्या लगता है ये धंधा आम का बाग है कि चार पत्थर जेब में डाले और घुस गए? कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है।
कि नहीं, नहीं तो मार डालेंगे उसे। कश्ती लहरों से टकराएगी तो ही किनारे नसीब होंगे। ने कहा था ना एक भगवान चुन लेना, चुन लिया। आप बोलो, आप सही इंसान चुनने की नजर रखते हो या नहीं? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, आज के बाद तो सिर्फ वही बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं। चंद्रो, जी भाई, इसे काम सिखाओ। चलो, चल, चल। सुल्तान, ये आदमी टेढ़ा लगता है मुझे। सीधे लोगों का हमारे धंधे में क्या काम? ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है। साहब, मुझसे बड़ी गलती हो गई। शोएब भी सुल्तान के गैर कानूनी रास्तों पर चलने लगा है। मैं क्या करूं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुफा में अंधेरा कितना ही हो खान, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। शोएब को अभी सुल्तान की चमक के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। जिस दिन चमक जाएगी, अकल आ जाएगी। और फिर हम में से एक है, कुछ होने थोड़े देंगे उसे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। कुछ लोग अपना बुरा वक्त पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं। शोएब भी उन्हीं में से एक था। हर कंप्लेंट, हर फाइल, हर रिपोर्ट पर उसका नाम आने लगा था। तब मुझे लगा कि अपने खान का लड़का है तो शायद सुल्तान, वर्धन, पठान, विष्णु और वर्गीस, इन पांचों को खत्म करने के लिए शोएब मोहरा बन सकता है। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कोयले की खान में मशाल से रोशनी करने चला था, चारों तरफ आग लग गई। अभी ये लोखंड का ताला है, खादी की जेब नहीं कि ब्लेड मारो माल। अरे तू रुकना, अपने को तो डाउट है यार, एक मिनट में बिना चाबी के ये ताला कोई खोल ही नहीं सकता। तू बेकार की बात करना बंद कर और सुन, वो वायर दे। ये? अरे वो वायर देना। शोएब, क्या ये है? क्या ये? अरे ये तो पुलिस का सामान है, तू कहां से ढक के लाए इसे? तू एक काम कर, फेंक दे इसको, अपने में कोई काम नहीं है यार, इसका फेंक दे। ये घोड़ा है घोड़ा, बड़े बड़े जिंदगी की रेस हार जाते हैं इसके सामने। इसकी लगाम जिसके हाथ में, पावर उसी का। एक मिनट में या तो बाजी पलट जाती है या खेलने वाला। क्या कर रहा है यार? छोड़ उसे, हटाना यार। क्या कर रहा है? जावेद बोल रहा है यार इसको। शोएब छोड़ना। यहां मैंने उंगली दबाई और वहां तो खत्म। शोएब छोड़ना यार, जाने दे यार।
जब मैं और ये सुल्तान मिर्जा के साथ खड़े होंगे ना, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी। दुगनी। आदमी शराब पीने के बाद रोमांटिक हो जाता है, चांद तारों की बातें करता है, और एक तुम हो कि फ्लैशबैक में चले जाते हो। जो अपने बीते हुए कल से भागता है, वो जिंदगी की रेस कभी नहीं जीतता। अब 2 साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ। रोज शराब पीते हो, रोज सुल्तान मिर्जा से मिर्जा गालिब बन जाते हो। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। वक्त भी कहाँ बदलता है, सिर्फ गुजरता है। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या बदलते? तुम्हें छोड़ के सब कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू मैम, मैं हमेशा इसे अपने दिल के पास रखूंगा, गलती से खर्च ना हो जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बटा हुआ हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में। अमीर ने 1000 का नोट फाड़ दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और गरीब ने तो आज तक 1000 का नोट देखा ही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, बनने से पहले ही सुपर हिट है। अब तुम मुझसे एक्टिंग करवाओगी? एक्टिंग किसी और से करवा लेंगे, वो नया लड़का है ना अमित, नया सुपरस्टार, बहुत सूट करेगा। उसकी आंखें भी तुम्हारी तरह हैं, बहुत बोलती हैं। खाना ऑर्डर करें? यस। खाना कैसा है? गरम, तेरी तरह। हमारा मतलब है बना कैसा है। नमकीन और तीखा, तेरी तरह। तुम भी ना, पता भी नहीं चलता है सच कह रहे हो या हमें बना रहे हो। लड़कियों की यही आदत तो बुरी है, सच कहो तो कहती हैं बना रहे हो, और जब उन्हें बनाओ तो उस बात को सच मान लेती हैं। एक बात पूछे, बनाओगे तो नहीं? पूछो। वो हार वाली बात दोबारा नहीं होगी ना? दोबारा ना तो उस हार की बात करना, ना मेरी हार की। मुझे बस जीतना है, आगे बढ़ना है। वो कली, वो मोहल्ला, वो काम सब छोड़ दिए जो मुझे पीछे खींचते थे। खाना तो खा लो। नया घर लिया ताकि तुमसे उस भीड़ भाड़ में न मिला पड़े। देख मेरी तरफ, ये नायलॉन सिल्क शर्ट है, ये पता कितना महंगा है। हा? इस घर में 2-in-1 है, फोन है, कितने घरों में होता है, क्या ये सब तरक्की? सुल्तान मिर्जा के लिए काम कर रहा हूं मैं, जानती इसका मतलब? हाँ जानती हूँ, और हमें यह भी पता है कि उस काम में कितना खतरा है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं। सुल्तान, वो 3 बत्ती पे जो अपना गजरे वाला मनिया है, उसने खबर भेजी है, एग्नल को अपना पूरा प्रोग्राम मालूम है। डबल ढोल की हो मनिया, एग्नल के कान में भी उसी ने मुता होगा। एग्नेल को पता है ना, तो सारी सड़कें खोद डाली होंगी उसने। अरे वो अपनी गाड़ी निकलने ही नहीं देगा। तो क्या करें, वर्धन के पैसे लौटा दें? अरे अपनी इज्जत की माँ भी नहीं खोजेगी सुल्तान भाई, आज जो झुक कर सलाम करते हैं ना, कल दूर से खुदा हाफिज़ के निकल जाएंगे। तो क्या करें, ये बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये काम नहीं। करना क्या है, चेक ना करवा के निकल जाएंगे और क्या। ए चंद्रू, दिमाग से काम ले जरा। हे, प्लान करना होगा कुछ। काम की जबान आपने दी थी, पहले उसे खत्म कर दो, फिर जो हमारे खिलाफ जबान चला रहा है उसे भी काट देंगे, और ये दोनों काम मैं कर सकता हूं। बेटा,
यहाँ पे बॉम्बे के सभी टॉप लोग आए हैं, बिल्डर्स, क्रिकेटर्स, हीरो हीरोइंस। वहाँ पे मेयर भी खड़ा है, दारू पी रहा है। शोएब चलो ना वापस चलते हैं, इन बड़े लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा है। सुल्तान भाई ने बुलाया, खास बुलाया मुझे, उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा तुम नहीं आओगे तो पार्टी नहीं होगी। चल चुपचाप चल। मीट माय भाई। थैंक यू। काम खत्म होने से पहले ही पार्टी मांग ली भाई? वो बचपन से ही थोड़ा उल्टा हूँ। काम पूरा नहीं हुआ ना तो सीधा करना मुझे आता है भाई। वो बर्थडे पार्टी में होता है ना, बच्चे लोग रिटर्न गिफ्ट के बिना नहीं जाते। आज ये बड़े लोग भी नहीं जाएंगे। और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, खड़े रहकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। यहाँ खड़े खड़े गला सूख जाएगा, चलो वहाँ चल के दारू पीते। क्या यार मरवाएगा क्या यार? अरे तू फिक्र क्यों करता है, अपन भी वही दारू पियेंगे जो अंदर सब पी रहे हैं। चलो आ जा। चलो ठीक है। तू कोई महंगा दर्जी पकड़ना, रियाना भाभी जैसे कपड़े पहना कर। तेरा नक्शा अच्छा है, दिखना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये कितनी पी रखी है तुमने? आते शुरू हो गए। तो मैं क्या कोई टेंट कुर्सी वाला हूँ जो सब लोग यहाँ जाने के बाद पीऊंगा? आपसे कुछ काम था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे पूछूं। पूछो। आपका फोटोग्राफर चाहिए। फोटोग्राफर किस लिए? क्या है ना आजकल मेरा भी फोटो आने लग गया अखबार में, लेकिन बहुत बेकार आता है। सोच रहा था एक आध मजेदार फोटो खिंचवा के भेज दूँ सालों को, काम जैसा भी हो। फोटो अच्छा आना चाहिए। तुम सुल्तान की तरह बनना चाहते हो ना? थोड़ा थोड़ा उनका स्टाइल पसंद है मुझे। शोएब अच्छा काम कर रहा है, निकाह कर ले। मुश्किल है। क्यों? आजकल वो हर काम आपको देखकर जो करता है, यहाँ आपने निकाह किया वहाँ वो भी नहीं रुकेगा। मगर उससे पहले भाई इसकी बातों का कोई सिर पर नहीं, समझने की कोशिश भी मत करना। काम हो? आधा काम हो गया, पार्टी खत्म होने के बाद पूरा हो जाएगा। तो पार्टी खत्म? यूं अचानक? जब मेरे बुलाने पे आए हैं तो मेरे बोलने पर जाएंगे भी? अरे ये तो मेरे साथ की गाड़ी है, इन्हें कौन रोकेगा? सुल्तान और उसके चमचों की गाड़ियों को बराबर चेक करेगा। ठीक है, ए खोल दो गेट। ए खोल दो, जल्दी खोलो। साथ बैठे। मुझे मेयर की नई गाड़ी की तलाशी लेनी है। डिक्की खोलो। ये क्या बदतमीजी है? मेयर होते हुए भी स्मगलर की पार्टी से आप आ रहे हैं और बदतमीज मुझे कह रहे हैं? मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। डिक्की खोलो, तलाशी लो। चलो बोनट खोलो। चल रही है, देखिए खोलो, जल्दी करो।
जल्दी करो, बहुत माल बाकी है। आज तो मजा आ गया। चल जल्दी कर, चल। आज तो पुलिस वाले बन के एकदम छा गए ले शोएब भाई। आज पहली बार अब्बा की वर्दी काम आई है। अरे संभालो, उसमें घड़ी और ट्रांजिस्टर्स हैं। अबे ओए, माल उठाने की जानी तेरे अंदर, एक दूंगा साले। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं शोएब, इसमें तो टूटने वाला सामान है ही नहीं। और ये बात सुल्तान भाई को हजम नहीं हुई यार। सलाम भाई। चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। ये काम इस लड़के ने किया है वर्दन। अगर मैं होता तो माल यहां तक पहुंचता ही नहीं। क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो और वो पूरा ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो मानोगे कि आज मेरा जन्मदिन है। आओ केक काटते हैं। अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता था। हाँ बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। माचिस है। माचिस, ये ले। ए सुल्तान, ये तूने क्या किया है? पागल हो गया तू? अरे तेरे को मुनाफा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हिस्सा ज्यादा चाहिए तुझे तो बोल, मैं देगा तेरे को। वर्दन, मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत समीर नहीं देता। उस काम के बाद शोएब नहीं रुका। उसका नया दिमाग, उसकी नई सोच उसे धंधे में काफी आगे ले गई। उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी। लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, पर मैंने आंखें बंद कर रखी थीं क्योंकि शोएब सुल्तान के करीब आ रहा था। शोएब को एक आदमी की तलाश थी, मेरा खबरी, चोनी के बीच रहकर उन्हें धोखा दे रहा था। क्या मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, दो मिनट। पैट्रिक जल्दी, मुझे कुछ दिखाई दे। जल्दी पैट्रिक। ए, रुक। गाड़ी में मरीज है, थोड़ा अर्जेंट है, अस्पताल जाना है, हमें जाने दो। बाहर निकल। सुना ना तूने? जाने दे। लगता है तूने नहीं सुना। अबे साले, एम्बुलेंस में सोना लेके जाते हो और गाड़ी में मरीज, पुलिस को क्या बेवकूफ समझ रखा है? चल बाहर निकल। ए ड्राइवर, चल गाड़ी की डिक्की खोलो, तलाशी दे। ए वर्दी, तलाशी लेनी है ना तुझे गाड़ी की? ए! मैं दिखाता हूँ तुझे गाड़ी का। कुरो, कुरो! देख, देख, देख! देखा कुछ? ए सोना, चल डिक्की चेक कर दे। पूरी गाड़ी दिखाता हूँ। ये देख, देख कुछ है क्या? She is suffering from congenital heart disease. मैं समझा नहीं। मतलब उनके दिल में छेद है। अक्सर ये बीमारी बच्चों को माँ के घर में ही लग जाती है, बचपन में ही पता लग जाता है। तो अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ और साल। I'm sorry, I'm really sorry. जितना हो सके उतना ख्याल रखिए। आप उनसे मिल सकते हैं। Thank you.
शादी करोगे मुझसे? जाओगे तुम अगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। तू दिल है बंबई का और बंबई मेरी महबूबा। तुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमेशा तेरी लहरों की तरह चला बेबाक, ना किसी की सुनी ना किसी की चलने दी। पर गलती ये हुई कि मेरा प्यार थोड़ा सा बट गया। अब तो ही पता किसे दिल से लगाऊं। तू धंधा छोड़ने की बात कर रहा है? बंबई ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब मैं रिहाना के लिए छोड़ सकता। कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि बंबई का दिल बहुत बड़ा है, डरता हूं कोई इसे तोड़ ना दे। आज तक सब लोग चुप हैं सिर्फ हमारे धंधे की वजह से। धंधा छोड़ दिया ना सबकी आवाज खुल जाएगी। मैं जो कुछ भी हूं अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसलों की वजह से हूं। आज तक इस शहर ने मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा। नहीं सुल्तान, अगर हम धंधे में नहीं रहेंगे तो जिन लोगों की गर्दन आज तक हमारे सामने उठी नहीं उनका हाथ हमारे गिरबान तक होगा। उसके बाद डर खत्म, इज्जत खत्म, कानून हमारे पीछे। इन चीजों को काबू में रखने के लिए धंधा नहीं दिमाग चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का तरीका बदलने जा रहा हूं, तेवर नहीं। आज फिर मैं बकरा, हमेशा मेरी भाई। सलाम। सलाम भाई। सलाम भाई। ये बेचारी इतना नहीं नाची होगी जब इसमें शराब थी, तो अब इतना क्यों घूम रही है? भाई हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। तो खेल भाई, अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता। जब तक नाल और नकेल नहीं लगती हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। इस घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथ में, ना ये रुकेगा ना बैठेगा। तो कान से नहीं दिमाग से सुन। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक यहां का धंधा तू संभालेगा। और याद रखना, ना ही ये विरासत है और ना ही खैरात। कोशिश करूंगा, इस बार शिकायत का मौका ना दो। मौका मिलेगा भी नहीं। ने शहर को 5 लोगों में बांट दिया है। शहर है द्रौपदी। तू पीने के बाद कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं जावेद, इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडू सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूं, बाहों में भरना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, वो सब करना चाहता हूं जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। सुल्तान से भी ज्यादा ऊपर? उससे ऊपर नहीं तो उससे कम भी नहीं। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं। सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा।
मेरी नजर से दिख जावे था। ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो महबूबा हाथ से निकल जाएगी। इससे मसल दूंगा लेकिन निकलने नहीं दूंगा। और कितना टाइम लगेगा? मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। शोहेब भाई एक काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मुझे अपने भाई को मरवाना है। काम खत्म होने के बाद मेरा आदमी तुम्हें यह सुपारी का टुकड़ा दे देगा, जोड़ के देख लेना और माल दे देना। काम हो तो जाएगा। अब सुपारी लिए तो चूना नहीं लगाऊंगा। ये पहली सीढ़ी है जावेद, देखना सुल्तान के लौटने से पहले मैं इस 5 लाख को 50 में कैसे बदलता हूँ। सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे हैं, क्या जवाब दूँ? मैं कौन हूँ? गृह मंत्री, और वो बंबई का एक मामूली गुंडा। उसे क्या लगता है कि हम उसके लिए यहाँ बेकार बैठे हुए हैं? बैठा रहने दो उसे। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं? एक पैसे का भरोसा नहीं होने कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो। हल्के में मतलब चुप रहे बस। गन चलाना बहुत आसान है लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंधे में आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है, अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी, वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है शुएब। धंधे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता पैट्रिक। हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सुल्तान क्या चाहता है वो जरूरी है। लेकिन इस वक्त यहां सुल्तान नहीं, मैं हूं। आपके खराटे भी आपके भाषण की तरह हैं, लंबे लंबे। तुम यहां कैसे आए? मंत्री, अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। क्या बदतमीजी है ये? मेरा मतलब है कि क्या चाहिए तुम्हें? खादी, कीमत बोलो। ये मुमकिन नहीं है, आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दे रही। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती।
अगर अनुमति दे दें तो सरकार को क्या मिलेगा? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे उस शराब की एक एक बोतल चाहिए जो शोएब की भट्टी में से निकली है, और सारी शराब गटर में बहा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है, अंडरस्टैंड? आप सारे सबूत मिटाना चाहते हैं सर? इससे तो शोएब का हौसला और बढ़ जाएगा। कालिया बयान दे चुका है, 12 लोग मर गए उसकी शराब को पीकर। हम शोएब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या होगा उसे? दारा को सुल्तान ने मारा था ना, क्या हुआ? 10 मिनट में छूट के चला गया, ये भी छूट जाएगा? इन सालों के पब्लिसिटी एजेंट बनकर रह गए, हम इन्हें गिरफ्तार करते पर साले रिहा हो जाते। मतलब हमारा सारा काम इनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए है। इनको तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है, एक बार ये मुट्ठी खुल गई तो सबकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगी। पर ये मुट्ठी खोलेगा कौन? यही शोएब, जिसके कारनामों पे आज हम पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन वो तो सुल्तान का खास है। वो किसी का खास नहीं है। लेकिन वो सुल्तान के खिलाफ क्यों जाएगा? उसके कदम तो सुल्तान के खिलाफ कब के बढ़ चुके हैं। समझा नहीं। सुल्तान ने चाहे काम कितने ही गंदे किए हों, उसने कभी शहर गंदा नहीं किया। उसने समुंदर पर राज किया है, इसलिए आज भी लोग सड़कों पर महफूज हैं। लेकिन शोएब ने तो सारे असूलों की पोटली बनाकर समुंदर में बहा दी। अब जब दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी। पर हाँ, नुकसान भी उसी का ज्यादा होगा जो धीरे चल रही और पुरानी हो चुकी है। मुझे ट्रेन की परवाह नहीं है, मुझे पटरियां साफ चाहिए। पर शोएब तो खान का बेटा है ना? अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो बिस्तर पे जबान देते हैं वो अक्सर बदल जाते हैं। मेरा हिसाब अलग है, तेरे डांस में भी दम है और रोमांस में भी। चिपक के रहना, हीरोइन बना दूंगा। वो आने में इतने दिन लगाती है भाई? सरकारी काम मालूम है ना, मंत्री ने हमारे इलाके में रैली रखी है। अब देखना, अपनी गाड़ी के ऊपर भी लाल बत्ती घूमेगी। तू खुनी है, तू मेरा बेटा वापस कर। तेरी बनाई हुई जहरीली शराब पीकर मर गया मेरा बेटा, मर गया। तूने मारा है उसे, तूने। कभी चैन से जी नहीं पाएगा तू। नरक में जाएगा तू। बाहर सिंघानिया काफी देर से इंतजार कर रहा है। आदमी तभी बड़ा बनता है जब बड़े लोग उसे मिलने का इंतजार करें। जा, 2 मिनट के बाद भेज देना उसे। इससे पहले कि मैं तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, अपने सारे धंधे बंद कर दे। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। पैट्रिक, शहर साफ चाहिए। शोएब वापस करो और मत पियो। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बचपन में अब्बा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था। ना तो अब मैं बच्चा हूं, ना सुल्तान मेरा बाप। मुझे लगा बाप से ज्यादा मेरी इज्जत करता है,
इसलिए उस पर धंधा छोड़ा। लेकिन उसकी फितरत में धोखा है। बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुमताज को धोखा देगा, एक तेरे शहर को धोखा देगा। गलती मेरी थी, मैंने सोचा था हम दोनों मिल बांट के राज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने उसे अपना सिपाही बनाया, वो शहर का राजा बनने चला है। इस शहर पे सुल्तान का नाम नहीं लिखा है कि वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। वरदा ने कुछ करना चाहा, उसे रोक दिया। मैंने कुछ करना चाहा, मुझे रोक दिया। खादी का कीड़ा काटा है, नेता बनेगा। ये धंधा स्पीकर की आवाज से नहीं, गोली की आवाज से चलेगा। पैसे के लिए गोलियां चलाई, खून बहाया। जिन उंगलियों को घोड़े की आदत लग जाए उनमें लगाम डालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है। शोएब, आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं ये रास्ता गलत तो नहीं। ये रास्ता भी मेरा है, ये फैसला भी मेरा है, और ये शहर भी मेरा होगा, समझी? क्या हो गया तुम्हें शोएब? डर लग रहा है हमें, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सोचते थे तुम सबसे अलग हो, पर अब हमें लगता है हम तुम्हें जानते ही नहीं है। कौन हो तुम शोएब? तुम्हारी बात का जवाब दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मान जाएगा। बस बहुत हो गया सवाल जवाब, अब देखना यह कि आंख मिला के बात करता है या पीठ पीछे वार। रात की सोच बहुत काली होती है शोएब, जाकर सो जा। तुम जागती रहना, मुझे नींद नहीं आई तो वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा। सुल्तान भाई कहाँ जा रहे? हम चलते हैं ना साथ में। हाँ मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। अंदर आ जा। तू तो दुश्मन है। दोस्त ने हाथ उठाया है, दुश्मन बढ़ा रहा है। सोचो मत, बैठ जाओ। सुल्तान तुम्हारा रफ्तार से डर गया है, उसको मालूम है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाएगा, इसलिए तुम्हारा हिम्मत को बढ़ाने की बजाय वो तुमको दबाना चाहता है। वो बदलाव से डरता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। फैसला तुम्हारा है, याद रखना, जो वक्त से हाथ नहीं मिलाता वो वक्त गुजर जाने के बाद अपना सिर पकड़ के रोता है। सुल्तान को मौत भी सुल्तान वाली ही देंगे। कल उसकी रैली है, लेकिन वहां पे शोर नहीं, मातम की खामोशी होगी। लेकिन याद रहे, अगर सुल्तान बच गया तो हम सब खत्म। सुल्तान
क्या हुआ? अब वो सुल्तान को मारने के लिए निकले हैं। आप कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिए तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। अगर ये गलत काम बंद नहीं किए ना, तो ये नया दोस्त ही तुम्हें सबसे भारी पड़ने वाला है। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा, हर नल में पानी होगा। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे? सर, हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मदद करके तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा बन गए? हमारी पार्टी ने आप ही के एक हमदर्द को चुना है, और वो है सुल्तान मिर्जा। जवाब मिल गए मियां साहब, या कोई और सवाल है मन में? मैं जब बचपन में भाषण सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूं और भाग जाऊं। लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगाया, गरीब ही हमेशा खींचे चले आते हैं, ये सोच के कि आज उनके मतलब की बात होगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, वो बोल कर चुप हो गए और हम चिल्लाते रह गए। एग्नेल साहब, सर, सुल्तान को यही मारने का प्लान है। क्या? कौन? शोएब। सुल्तान पीछे नहीं हटेगा, हमें शोएब को ही रोकना पड़ेगा। शोएब, तुम जाके वहां डेस्क के सामने खड़े रहो और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने आदमी को लेके पीछे से आओ। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली है, बाकी सब आज भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, अब गरीबी के हैं। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पे भी मिलती हैं। हम सब उन किताबों में से। आज तक आप लोगों ने मेरे यहां फरियाद तब की जब आपकी किसी ने ना सुना, ना पुलिस ने, ना सरकार ने। उन सब के बाद आप मेरे पास आए, लेकिन अब आप सबसे पहले, सबसे पहले मेरे पास आ सकते हैं। अम्मी अम्मी, मुझे पिस्तौल चाहिए। घर पे है ना बेटा? अम्मी मुझे वो चाहिए। मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं, तेवर नहीं। ये सारी जगह सील कर दो। कौन है साथ? सर, कह रहा था दो लोग हैं, दोनों मिल गए, खतरा टल गया सर। जब तक शोएब है खतरा है। दोनों पकड़ा गया, प्लान फेल, अब सुल्तान को धर नहीं पा सकता।
अपने लिए जरूर था, लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते मुझे भी नींद नहीं आएगी। चलता हूं, दुआ में याद रखना। सुल्तान भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रेहाना जी को बुलाइए। आज बंबई तबाह हो गया है, वो बंबई जो सुल्तान की महबूबा थी, जिसे शोएब अपने काबू में रखना चाहता था, और मैं महफूज। सही और गलत के बीच चुनना आसान है, लेकिन दो गलत लोगों में से एक चुनना बहुत मुश्किल, और यही मैं चूक गया। माफिया अकेली जिम्मेवार नहीं है शोएब को बनाने में, पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है। और आज 18 साल बाद वो इतनी दूर निकल गया है कि उस तक पहुंचना भी नामुमकिन है। हिंदुस्तान में ना रहकर भी वो बंबई पे राज करता है। चिलिया चाचा, दो कीमा पाव। असलम मेरा बच्चा, ले रख। यारे डेटा, अबे ये तो चुप बैठा है, लगता है अपनी चीख निकालेगा। गलती बाइक की है, बंदे की नहीं। जो पैसा लगाया वो गया। लगाया तो नहीं, पर सोच रहा हूं तुम पर जुआ खेल लूं। चिलिया चाचा, इनसे अगली रेस के पैसे ले लो। मैं चिल्लर लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा सोच रहा हूं। तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, तेरे बाप को पैसे पहुंच जाएंगे। टाइम पास मत करो साहब, मेरा बाप तो मुझे दारू की बोतल के लिए बेच देगा। मेरे लिए आए हो, मेरे से बात करो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है बे, है? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं साहब, ना किसी ने लोरी गाकर सुलाया है, ना किसी ने माथा चूमकर उठाया है। तेवर दिखा था? तेवर ना दिखाओ तो लोग आंखें दिखाने लगते हैं। सले जावेद, इन दोनों को काम पे लगा दो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ए साहब, अपना नाम तो बताओ। नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। क्या हो गया भाई, ये दूध पीते बच्चे किस काम के? जावेद,
दूध में नींबू जिसने डाला, पनीर उसका। इस उम्र की वफादारी जिद जैसी होती है जो धीरे धीरे जुनून बन जाती है, फिर अपने ही खिलाफ बोलने वालों के लिए जहर बन जाती है। बड़ा आदमी था। देख बेटा, अभी तक लात पड़ती थी, आज पहली बार किसी ने हाथ दिया है। और अपनी एक सेइंग है, जो दे साथ उसके रहो खास। भरोसा जीत भी लिया, फिर भी है तो बच्चे ही। अरे एक से एक करू लाइन में खड़े हमारे इशारे के लिए। फिर भी इस बच्चे में इतनी जुर्रत थी कि वो मुझसे मांडोली कर सके। इस शहर के शहंशाह लोग महलों में रहते हैं, पर इस जंगल को चलाने के लिए जो शेर चाहिए वो सड़कों पर ही पैदा होते हैं। अपने मर मर के जीने की आखिरी रात है। हाँ यार, कल से अपनी जिंदगी उस बड़े आदमी के नाम। खुदा इतनी जहमत कर कि बंदे भी थोड़ी रहमत कर। I really can't understand. It's already 5 past our time. दर्शक बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, बड़े हैरान हैं, बेचैन हैं कि टॉस क्यों नहीं हो रहा है। दो ओवर का टाइम निकल चुका है, टॉस कब करोगे? लगता है सर के पास सिक्का नहीं। मैं दूं क्या सर? टॉस इन्होंने जीता, हेड्स आया, बैटिंग हम करेंगे। रजाक गेंद करने जा रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बॉल को कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की तरफ। पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल पे छक्का लगाने वाले हैं। सामने बोलर देखा है कौन है? मुश्ताक, आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल। और वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रख लें, टूटने वाला है। या फिर ये कैच हो सकता है क्योंकि खिलाड़ी ठीक नीचे हैं, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर छैलन के लिए। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। खूबसूरत शॉट निकलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चार रन। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता। Batsman is on 99. Papaji hits the ball high up in the air. Century kitne pass aur out. Hai Allah. Aaj ke match mein Allah interest nahi le rahe, main le raha hu. Century hoke rahegi Papaji ki. Ball seedha fielder ke haath mein ja rahi hai. Lagi shart. Kaisi shart? Wahan uske 100 hue, yahan 100 minute tum mere saath mere paas mein guzarogi. Kya? Tumhara dimag kharab ho gaya hai? मैं शादीशुदा हूँ। आउट, आउट। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो। नो बॉल। नो बॉल? नो। ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था। उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ, पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाऊँ।
मुझे आशा कहीं जाना। मैं जानता हूँ आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे घर आ रहे हैं। तुम? शोएब, शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूँ, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल। समीर। हाय भाई। आपकी बीवी कमाल की है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी, अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी वो? एग्जैक्टली। चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। सी यू। अरे वर्धन भाई, आप क्यों खड़े हो गए? आपके आने पर तो हम खड़े हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब मेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। बैठो जावेद। यह तो सुल्तान का नक्शा है। और यह है शोएब की बंबई। यह नक्शा क्या कोयले से बनाया है? सारा काला कर रखा है। हमारा इलाका कौन सा है? वर्धन भाई, हमको यहां जलाने के लिए बुलाया है क्या? ये बड़े बड़े फैसले तुम्हारे समझ के बाहर है। साफ जाहिर है, एक रंग एक राजा। अगर ये फैसला हमें मंजूर ना हो तो? अगर किसी को भी लगता है कि वो मुझसे दो कदम आगे है तो ये रही बंबई, चढ़ा लो इस पे अपना रंग। लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोएब। अरे सुल्तान ने शहर के 5 हिस्से किए थे। सुल्तान बहुत अच्छा आदमी था। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे, तेरा मेरा करता है? सब कुछ मेरा है, पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी, जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है? मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। भाई कल को ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद, 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए, इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? शैतान साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेस बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बन के बैठ जाओ, लेकिन
पकड़ मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो। शोएब के कितने दुश्मन हैं, और बॉम्ब पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? यह कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो साला ये भूल गया कि जो खेल उसने शुरू किया है खत्म मैं ही करूंगा। वो आपके बंबई में नहीं होने का फायदा उठा रहा है, उसे लगता है वो वहां पे महफूज है। हाँ। मच्छर जिसका खून पीता है साला मरता भी उसी के हाथों है, और उसके लिए मच्छर का हाथ में आना भी जरूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है, अब देखना ये है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। सर, मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर, मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो। आ गई है, और सर सभी में काली गुड़के वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता? किया क्यों नहीं? तुमने ये क्या है? सर सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूं। वालेकुम सर। जब तक मैं बंबई में हूं तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है? भाई वो अंगड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है, डीएम जाने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त।
और बचा भी लिया। मैं एक दिन में दो गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है। साले डेटा। अरे क्या कर रहा है असलम? अभी कितनी बार बेल कराऊंगा तुझे। पिछले जन्म में लगता है तू मेरी बीवी था। जब देखो खर्चा करवाता रहता है। चल छोड़ना यार, एक दिन सब साथ में चुका दूंगा, ठीक है? चल आजा। चल। अकबर बेल, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मतलब शोएब भाई बम्बई में? और तुमको बुलाया है। चल डेटांग। सिर्फ तुमको। माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई? मैं यहां शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई, आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। डाल दे सारा का सारा लोहा उस कतार में। कौन है भाई? नहीं भाई, या तो आपके हाथ फोटो गलत लगी है या फिर इंफॉर्मेशन। मैं यहां तक गलतियां करके नहीं पहुंचा हूं असलम। ये जो तेरा दोस्त है ना, बार बार इसलिए अरेस्ट नहीं होता है कि साला पुलिस का भैनोई है। ये इसलिए वहां जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का कवरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम, आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा जा। डेटांग, भरोसा कमाने में एक उम्र लग जाती है और गवाने में एक मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसी आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत होती है, और वही जुबान तू पुलिस को बेचकर आया। क्या? बोल। ए, क्या कर रहा है? तूने 3 साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी। शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। ए असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार। यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। डेटांग मेरी परछाई है, अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। ए, ए असलम, क्या कर रहा? असलम नहीं। कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था, आज पूरा पैसा वसूल हो गया।
लेकिन भाई आप हलीगन लेकर क्यों घूमते हो? असलम, शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर। आदतों की दुकान, सुना है साहब चलता है उसका। रावल को बोल देना उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे तो करीब उसकी गाड़ी निकला तो बनती थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखी। अरे बताते, अरे पागल साला, टोपी कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरुट चलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ए टकले, रावल कहाँ है वो? वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे? वो प्रेम चोपड़ा का फैन है, तो क्या करें? प्रेम चोपड़ा से जाकर रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूँ। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे अरे, व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओह एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है। आज ही? के बाहर तो निकलते नहीं कि कहीं कोई देख ना ले, और तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे मेले में जाना है। काम भले ही मैं गंदे करता हूं पर साफ सुथरे रहने की गंदी आदत है मुझे। वादे तो रानी बनाकर दुनिया दिखाने के किए थे। 15 दिन से बस एक छत देख रही हूं मैं। एक तो शोएब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक तू उंगली करती रहती है। थोड़ा गुपचुप बैठ, जरा मामला ठंडा हो जाए फिर दिखा दो तुझे मैं अपनी गर्मी। अरे छोड़ रही। तुझे बहुत गर्मी लग रही है रावल। चल ठंडा हो। रावल मैंने मगरमच्छ मारने भेजा, तुम लोग यहां मच्छी बाजार बना के बैठे हो।
हंसने की आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है तुम लोगों के कानों पे? बंबई हंस रही है हम पे, बोल रही है खाक राज करेगा शोएब भंवर। एक बात याद रखना, दुश्मन जब हाथ से निकल जाता है ना तो पूरी रात चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, खान खान खान। भाई रावल हाथ से निकल गया पर कम से कम साले का दिल तो तोड़ दिया। तेरा क्या प्लान है, उसको किश्तों में मारेगा तू? अरे रावल और उसकी मोना कौन से लैला मजनू थे कि मजनू पे आई तो लैला कट ली? जावेद आजकल प्यार ना नौकरानी जैसा हो गया है, आता है बेल बजाता है काम करता है और चला जाता है। सही बोला भाई, प्यार में आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी हो तो जैक लगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी असलम, प्यार का मारा वैसे भी पानी नहीं मांगता। तुझे किसने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ? तो भागे मछलियां गिन रहे हो, नीचे उतरो। ए लड़की, शोएब नाम है मेरा, शोएब। तो इतना भी बुरा नाम नहीं है, पसंद नहीं तो बदल लो, मरने की क्या जरूरत है? लगता है भगवान ने सारा माल पानी आंखों में दे रखा है, ऊपर देना भूल गया। लड़की से बात करना भी नहीं आता तुम्हें? लड़कियों से बात करके टाइम वेस्ट करना शोएब की फितरत में नहीं है। इसलिए तो अकेले हो? तुम भी तो अकेली हो। हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को जानते नहीं इसलिए अकेले हैं। हम इस शहर में पुराने हैं, सभी हमको जानते हैं लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? सीधे तो आजकल साधु नहीं चलते, मैं तो फिर भी शैतान हूं। तुम सच में आत्महत्या नहीं करोगे ना? तुम मुझे नहीं जानती, बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ मैं, दुनिया डरती है मुझसे। समझ गई, तुम बहुत पावरफुल हो इसलिए लोग तुमसे डरते हैं, लोग डरते हैं इसलिए तो अकेले हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पकड़ के गठरी में बांध के समुंदर में फेंक सकता हूँ, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गई। कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ, एक तो तुम्हें मरने से बचाया हमने। लेकिन मरने जा कौन रहा था? रोका तो हमने ना, इससे पता चलता है कि हम अच्छे हैं, फिर भी तुम इतने गंदे तरीके से बात करे जा रहे हो। शोएब जी ये नाम माम को मारो गोली, अपनी पहचान बदलो। भाई क्या बोल के गई, उठा लूं क्या? साले पहली बार कोई हमारे साथ पुण्य करने की सोच रहा है, तू वहां भी पाप करना चाहता है? अबे जाने दे, अच्छे लोग वैसे भी हम जैसों को कम ही टकराते हैं। लड़की जब रोती है ना बहुत सारे रीजन होते हैं, पर जब लड़का रोता है रीजन लड़की ही होती है। शाहिन के बाप की माँ का बुढ़ा उसे मुझे मिलने नहीं दे रहा है और उस साले को ठोकने नहीं दे रही है, कहती हाथ भी लगाया तो मुझे छोड़ देगी। ये बुढ़ा पनौती बन के आया मेरे लाइफ में भाई, वो वहाँ बैठ के रो रही है और मैं यहाँ। अपनी दोस्ती टायर ट्यूब जैसी है, हवा तेरी निकलती और बैठ मैं जाता हूँ। तेरा होने वाला ससुर है, तू तो नहीं लड़ सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ ना। मतलब अब वो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, शुक्र है कि तुझे यहाँ नहीं दिया, वरना मैं तो अकेली मर जाती। और वैसे भी मैं मर जाऊंगी या भाग जाऊंगी लेकिन टेटांग के बिना नहीं रह पाऊंगी। कोई और नाम लेकर तो रोया कर, तेरी शादी के कार्ड पर क्या छपेगा, शाहीन और डेटा। आप तो बड़े फिल्मी हो, नाच गाना फुल स्टाइल में। यार अपना तो हमेशा कैचिंग अंदाज रहा है, बचपन में लंगोट नहीं पहले मैं रुमाल पहनता था। ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर देंगे,
शर्म नहीं आती तुमको? अबे डेढ़ टांग, अबे मेरी गाड़ी भी डेढ़ पहिए की करेगा क्या? आराम से साले। हाँ क्या रे, तू बोल रही थी? बोल नहीं रही थी, पूछ रही थी। क्या करते हैं आप? जेब काटता हूँ, गले काटता हूँ। गुंडे हो? टेलर हूँ। फिर ठीक है, हमें गुंडों से बहुत डर लगता है। पता है हमारे कश्मीर में तो एक भी नहीं है। तो किसी लंबी लगवाएगी? हाँ, टॉप क्लास आइटम है और ब्रेन कम। आपको अंग्रेजी आती है? हाँ, फुल स्पीड में। सिखाएंगे हमें? अरे तुझे सीखने में दो जन्म लगेंगे, मेरे पास एक ही है। मदद कर दो ना प्लीज। ठीक है, यू गिव ध्यान, आई गिव ज्ञान। ए फॉर एबीसीडी आती है हमें, बस थोड़ा बहुत अपने बारे में जानना है, जैसे कि हम कश्मीर में पैदा हुए, ये कैसे कहेंगे? बस बाएं हाथ का काम है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। आई कम आउट ऑफ माई मदर इन कश्मीर। हमारे अब्बू अखबार के लिए काम करते थे। मेरा फादर वर्किंग फॉर रद्दी। मेरी दो बहनें हैं। My two sister, बहुत आइटम। आइटम? मैं 11वीं तक पढ़ी, क्या कहते हैं उसे, इंटर कोर्स। हाँ, शायद यही होगा। वही है। पर मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाई, बहुत मन था करने का, पर हमसे हुआ ही नहीं। I left course बीच में, heart and body wanted course, conditions apply. Condition apply? शायद इसलिए अंग्रेजी कमजोर है। I don't know English medium course, only Hindi medium course. एक और। खुदा ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है ताकि सारे काम एक दिन में ना करने पड़े। आज के लिए काफी है, बाकी कल। ठीक है, शुक्रिया। ये बंबई है, यहाँ बोलने का थैंक ले और वटक ले। थैंक यू और वटक ले। बस क्या? क्या? अरे कोई थैंक यू बोले तो बोलने का बस क्या? बस क्या? अबे ओए, उस टाइम मैं और शाहिन बात नहीं करते तू क्या लेक्चर पिला रहा था? तो और क्या करता, वहां तो मेरी गाड़ी की लगा रहा था और वो लड़की मेरी। कौन? जैस्मिन? अबे अच्छी तो है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। अरे टिकाऊ नहीं, पकाऊ थी। 11वीं तक पढ़िया, फिर भी मैंने बताया। मैंने 11वीं को अंग्रेजी में कोर्स कहते हैं। क्या? अब कोर्स का मतलब भी पता है? हाँ, 11वीं तक पढ़ाई ना। 11वीं तक पढ़ाई को इंटरमीडिएट कहते हैं, कोर्स नहीं। कोर्स का मतलब है सेक्स। क्या? हाँ सेक्स। अरे वो इंटर कर रही थी, मैंने कोर्स लगा दिया, हो गया कोर्स। वाह रे बाबा आदम, तुमने पहली मुलाकात में उसे सेक्स पढ़ा दिया। अगर उसने किसी को बता दिया कि वो कोर्स पढ़ी है। पागल मत बन, अब तो बड़ी हीरोइन बनने वाली है, इन पार्टियों की आदत डाल ले। मैम, इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिलेगा? हेलो, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? ठीक और आप? डूइंग वेरी वेल। आपकी बेटी बहुत सुंदर है। लग रही हो तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो। एक बात करो, काले चश्मे उतार लो, रात हो गई है, लोग हंसेंगे तुम पर।
मुझे देखकर कोई मन में नहीं हंसता। मुंह पर हंस के इन लोगों ने मरना है क्या? हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं मैं तुमसे ही क्यों टकरा जाती हूँ। जिनकी किस्मत चमकनी होती है वही मेरी नजर में आ जाते हैं। इसी चमक धमक से तो डरते हैं हम। पता है हमारे पूरे कश्मीर में इतने शिकारे नहीं जितने इस पार्टी में लोग हैं। शिकारों को मारो गोली, चल आ कोने में। ए, तुमने हमें समझ क्या रखा है? ऐसी वैसी लड़की नहीं है हम। हमने भी इंटरकोर्स किया हुआ है। कौन सा कोर्स? ए, चल। मेरे चेहरे पे मत जाना। टॉप किया था उस कोर्स में। वो तो डीके साहब ने यहाँ बुला लिया हीरोइन बनाने, वरना उसको उससे भी कहीं आगे निकल जाती। तू डीके की हीरोइन है? हाँ तो? ठीक कहा था डीके साहब ने। पिछली वाली ने नियत खराब की थी, ये वाली रावण के मुंह से भी राम राम ही बुलवाएगी। वैसे कोई हमारी तारीफ करे हमें अच्छा लगता है, पर आपके साथ अभी भी कच्चा पक्का सा। अबे वो लड़की, जितने तूने रोजे नहीं देखे ना, उससे ज्यादा चांद रातें देखी मैंने। दोबारा मेरा रास्ता मत काटना। अरे आप तो बुरा मान गए, प्लीज मत जाइए। अगर आप ही चले गए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। चल फिर आ मेरे साथ। अंदर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी अनजान प्लेटफॉर्म पर उतर आई हूँ। ना जगह जान पहचान वाली, ना लोग। तूने मुझे जान लिया ना, तेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी समंदर के बाद बंबई शोएब से ही जानी जाती है। अंदर इतने सारे सितारे हैं और बाहर आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। तुझे तारे देखने हैं ना, तू आवाज कर, तेरे को तारे दिखाता हूँ। बहुतों को तो मैंने दिन में तारे दिखाए हैं, तुझे रात में तो दिखा ही सकती हूँ। अच्छा है कोई ऐसी जगह? चलो वहां चलते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करना है बस। 100 लोग लग जाएंगे तेरे लिए आसमान चमकाने में। वो कैसे? सारे शहर की बत्ती गायब कर दो, फिर आराम से तारे देख सकती हूँ। आराम से देखना और गिनते रहना। दूसरों के घर की रोशनी छीन कर हमें दोगे? नहीं देखने हमें तारे। तुझे क्या चाहिए तू आवाज कर, ऐसे ला दूंगा। बाप हो तुम हमारे जो कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने लाए हो। क्या चाहिए आवाज कर, ये दिला दूंगा। एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, हीरोइन बनने आ तो गए, अब डर लग रहा है। ये सब बड़े बड़े लोगों के बीच हमारी क्या जगह है, क्या पहचान है हमारी? चल मेरे साथ। तारे देखने का बहुत शौक है ना, आ तुझे सितारा बनाता। क्या बात है, बड़ी नर्वस लग रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के बोलने की आदत नहीं है, बस इसलिए थोड़ा सा नर्वस। अपनी एनर्जी बचा के रखो, वैसे भी बेस्ट एक्ट्रेस तो मुझे ही मैं ही देने वाला हूँ। इस साल का सबसे खूबसूरत नए चेहरे का अवार्ड जाता है जैस्मिन को। जैस्मिन? मिस जैस्मिन, जैस्मिन शेख। इन अवार्ड्स की कीमत सिर्फ एक साल की होती है, पर दुआएं हमेशा साथ देती है। इसलिए कहना चाहूंगी, बस दुआ में याद रखना। और हाँ, थैंक्स ले और पटक ले। टैक्सी।
दो तरह के मर्द होते हैं, एक जो कभी मौके पर साथ नहीं देते और एक जो मौका ढूंढते रहते हैं। जो मौका छोड़ते वो मर्द कैसे, पर आज आज तुम्हें हम घर छोड़ देते, मौके तो हम बनाते रहते हैं। आइए ना बैठिए। आज पता चला कि आप आम आदमी तो नहीं हो। आम आदमी आम ही की तरह होते हैं, कोई उन्हें चूस लेता है तो फिर कोई उन्हें काट देता है, कभी कभी तो कोई उसे खा भी जाता है। भर्ती भी बड़ी बड़ी कर लेते हो। मेरी शक्ल पे मत जाना, कहते हैं कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। अच्छा, आपके अब्बा क्या करते हैं? बेचारे पुलिस में थे। और आप? चोर। बचपन में हम दोनों चोर पुलिस बहुत खेला करते थे। आप इस खेल में हमेशा जीतोगे। वो क्यों? ये काला चश्मा जो लगाए घूमते रहते हो, कोई बता नहीं सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक बार ये चश्मा उतार कर दिखाओ बाबू, फिर हम पुलिस और आप चोर, फिर देखते हैं कौन जीतता है। निकालो निकालो। क्या हुआ, डर लगता है क्या? ये आंखें नहीं खतरनाक घाट है, एक तरफ खाइए एक तरफ पहाड़, कहीं फिसल ना जाना। अच्छे खासे तो लगते हो इनके बिना, सीधे साधे से क्यों गुंडे से बने घूमते रहते हो? आपकी आंखें पता है क्या कहती है? क्या कहती है? कि आपको प्यार कभी नहीं हुआ, पता नहीं बहुत बार हुआ है। पता नहीं? हाँ, पता नहीं कोई मेरे लिए बना है या नहीं, पता नहीं इस पर भरोसा कर सकते या नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ये चश्मा उतार कर फेंक दो शोएब जी, आंखें दिल का पता बता दिया, और ये बता रही है कि ये पता बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा और कुछ उतार के फेंकने को मत कहना, वरना मेरी शराफत बुरा मान जाएगी। अब तक बची है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिनों से चौकीदार की तरह शाहिन के घर के चक्कर काट रहा हूँ। गली के कुत्तों तक से दोस्ती हो गई है, तेरा कोई पता ही नहीं है। अरे हक्के बक्के क्यों घूम रहे हो? हक्के बक्के? यहाँ मेरे चक्के छूट रहे हैं। ये बता, तू बहुत लोगों से मिलती है? मिलती हूँ, गिनती नहीं। तूने किसी को बताया तो नहीं ना? क्या? अरे कि तूने वो कोर्स किया है? बताया ना एक को। अब हमने कोर्स किया है तो शर्माना क्यों? मर गया असलम, तूने खले चिंगारी को हवा दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, पहले तो हम परेशान थे कि हमने वो कोर्स किया है, अब तुम परेशान हो कि हमने वो कोर्स किया है। तुम इस कोर्स से इतना डरते क्यों? वो क्या है ना, उस कोर्स का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। तो फिर कैसे समझाऊं? फिल्मों में जब दो फूल आपस में टकराते हैं तो उसके पीछे वो कोर्स होता है, कमरे में जब कुंडी लगती है और दुपट्टा पंखे में लपट जाए तो नीचे वो कोर्स हो रहा होता है। जब लड़की चिल्ला कर बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, उसका मतलब है उसे उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। उस कोर्स का मतलब सेक्स। हाय अल्लाह, ये क्या बुलवा दिया हमसे। देखो बुरा मत मानो, तुम पढ़ना चाहती हो ना, ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो पेन है, लेकिन बड़ी कमाल की चीज है, इसे मुंडी से पकड़ के जब घुमाते हैं ना ये बदल जाता है, आ गया ना ताकत से नजाकत पे। तुमने हमें समझा क्या है? एक तो गंदी गंदी बातें बुलवा देते हो और फिर गंदी गंदी चीजें दिखाते हो, हमने तुम्हें शरीफ समझा था। नहीं लेकिन मैं शरीफ हूँ, बोलो ना गलती हो गई, वरना मैं ऐसी हरकत नहीं करता। अब हमें तो बदनाम कर दिया ना। देखो मुंह की बात दिल पे मत ले, तुझे जो चाहिए बोल, चांद तारी बोल वो भी ला दूंगा, बस इतना याद रखना तुझे चांद दे दिया तो बाकी सब ईद कैसे मनाएंगे, और तारे दिलवा दिए तो चांद अकेला पड़ जाएगा ना। ऐसी बात है तो कर दो चांद को अकेला, अब जब तक तुम तारे नहीं दिखाओगे तब तक हम बात नहीं करेंगे।
क्या भाई रोज रोज यहाँ आके खड़े हो जाते हो? अरे लड़की है लहरे नहीं, जो रोज समुंदर के किनारे पे मिलेगी। चलें। जब से उससे मिला हूँ जावेद, साली तेरी शक्ल भी मुझे अच्छी लगने लगी। असलम कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, देखो ये तारे, इंटर को सब भूल जाओ, नहीं देखना मुझे कुछ भी। अरे देख मैं जो कह रहा हूँ वो कर, जल्दी कर वरना कट जाएंगे। कश्मीरी मिर्ची, कुछ हुआ क्या तेरे को? देख ये बंबई है और यहाँ सपने उसी के पूरे होते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं। चल तेरे से नहीं होगा। नहीं एक और बार प्लीज। तीसरे दिन मरना मंजूर है, मन तो कर रहा है पूरी रात यही कट जाए। हाँ तो लेट ही रहे, यहाँ कौन सा भाड़ा लग रहा है। और वैसे भी बंबई चलती दो चीजों पर है, एक लक दूसरी लोकल, एक गई तो दूसरी आएगी। हमें तो थैंक्स ले और बटक ले कहना चाहिए। बस क्या, अरे ये तो अपने पे कर्ज था, चुकाना ही था। मैं तुम्हारी बात नहीं शाहीन और डेट टांग की कर रही थी, ना वो मिलते ना हम मिलते, ना हम मिलते ना ये नज़ारा देखने मिलता। देख डेटांग अपना यार है वो सब ठीक है, पर तू शाहीन का नाम मत ले अपने सामने। क्यों? अच्छा खासा मेरा एक लौता दोस्त था, अपनी गाड़ी डबल सीट थी वो और मैं, बस जब से शाहीन मिली है ना साले के ब्रेक ही फेल हो गए। अच्छा जलन हो रही है, दोस्त दूल्हा बन गया और ये घोड़ा अकेला रह गया। तुम्हारे शहर का तो दस्तूर ही हमें समझ नहीं आता, हर कोई अकेला है, हर किसी का दिल चिल्ला रहा है, किसी को बुला रहा है फिर भी दिल लगाने से डरता है, दोस्त बुलाने से डरता है। सच्चे दोस्त आंसू की तरह होते हैं, यहाँ दिल उदास हुआ वहां वो आ गए। अगर कभी हमारी दोस्ती पर शक हुआ तो अकेले में सिक्का उछाल लेना, चित गिरा तो हमारी दोस्ती पक्की, और पट गिरा तो सिक्का पलट लेना दोस्त, अकेले में कौन देखता है। एसीपी सावंत। कितने साल हो गए इस पोस्ट में सावंत? जितने साल तुझे पैदा हुए हो गए। कौन बोल रहा है? तेरी तरक्की, ऐसी खबर कि तेरे कंधे पे एक स्टार नक्की। कैसी खबर? मड आइलैंड के बंगले से जो लाश मिली, मोना की, उसका खूनी जिमी है और जिमी शोएब का कुत्ता है। और तू कौन? पुलिस को गब्बर चाहिए, मुझे भी गब्बर चाहिए। तुम जिमी को पकड़ो, गवाह मिल जाएगा। बोल, तूने शोएब के कहने पे गोली चलाई थी, क्यों मारा मोना को? कौन मोना, किसकी मोना? मैं किसी मोना को नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि तेरे जैसे सरकारी लोग बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उखाड़ नहीं सकते, लटका जरूर सकते हैं, मगर तू चाहे तो अपनी इस प्यारी गर्दन को बचा सकता है। बोल के तूने उसके कहने पे गोली चलाई, सरकारी गवाह बन जा। तेरे पास सबूत है ना, डाल मुझे अंदर, चल कोर्ट में। तेरे जज के ऑर्डर ठोकने से पहले ना शोएब सारे सबूत मिटा देगा, समझा तू? जो डर जाता है ना तेरे जैसे सरकारी लोगों का मेडल बन जाता है। ऑफिसर ना मैं तेरा मेडल बनने वाला हूं,
और ना शोहेब को धोखा देने वाला हूं, समझा दू? चल कट ले तू, चल चल, तू मेरे काम की चीज नहीं। मैं जाऊं? हाँ, इसके पहले कि मेरा दिमाग बदल जाए। ओके। जो तुम्हारे रास्ते पे चलता है वही तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश करता है। क्या हो गया, कौन सा उठा रहा है? जिमी ऊंचा उठने के चक्कर में बहुत नीचे गिर गया है, गद्दार है साला वो। जिमी? उसने रावल की आइटम को शूट किया था ना, पुलिस ने उसे उठा लिया। आप सिर्फ हुक्म करो भाई, थाने में ही ठोक देता है साले को। सावंत ने उसे पकड़ के 10 मिनट में छोड़ दिया, शोएब के गिरेबान को पकड़ के फिर ये हाथ खोल दिया। क्यों क्यों? लगता है जिमी पुलिस के साथ मिल गया, अपनी जान बचाकर हमारी फंसा दी। जावेद, अगर उसने पुलिस के कानों में मुताया ना तो हाथ साला जान से धोएगा। चल गाड़ी निकाल। नहीं भाई, भाई हो सकता है पुलिस ने बकरी को इसलिए छोड़ दिया हो कि शेर गुफा से निकले और वो उसे दबोच ले। आपका जाना ठीक नहीं है, आपको जिमी चाहिए ना, मिल जाएगा। एक सादा बनारसी जी। बहुत सारे आदमी घर की रखवाली कर रहे हैं, मतलब जिमी अंदर ही है। भाई को जिमी चाहिए तो किसी भी कीमत पर चाहिए। असलम ने जबान दी है, अब जान भी चली जाए पर जिमी की तो। बाप ने लेके दी है क्या बे? जैसे मर्जी चलाऊंगा। तेरे बाप को बोल एल का बोर्ड लगा के भेजे। कल्लू को बहुत चर्बी चढ़ गया है, चलो इनको सी का बोर्ड पहनाते हैं। चलो ए। इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। बोलो दामले, क्या हुआ? यहाँ लॉज के पास कुछ बाइकर्स ने झगड़ा शुरू कर दिया है, बैकअप भेजिए सर। उनमें से एक आदमी लॉज में घुस रहा है सर। मेरा अंदाजा सही था, वो जो भी हो बचना नहीं चाहिए। पहुंच रहा हूँ मैं। असलम तू यहाँ? ये क्या चल रहा है नीचे, टेंशन क्या है? भाई ने बुलाया तुझे, उन्हें तेरी फिक्र है, तो अपना आदमी है ना, ये पहन, सरकारी ट्रैफिक बहुत है, चल। इतनी भी क्या चलती है, बंबई पुलिस सब सूंघ लेती है, तुझे क्या लगा चकमा दे देगा? बोल बोल शोएब कहाँ है? कहाँ है शोएब? शोएब यहाँ है। भाई अब यहाँ? असलम, बाजियां पलट जाती हैं जब इंसान पलटते हैं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं,
मैं तो आपका आदमी हूँ। मैं तीन तक गिनता हूँ। आदमी तो औरतों के होते हैं, मुझे मर्द चाहिए मर्द। भाई मैं वहां सिर्फ 5 मिनट के लिए था, उन सालों ने मुझे मेरा टाइम टेबल पूछा और फिर जाने दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि तेरे हाथों के निशान पुलिस के पास है, जो कभी भी मेरी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। उन कमीनों ने मुझे फंसाया भाई, मुझे फंसा गया। हो सकता है, पर क्या करे जिमी, मैं तुझे मरा हुआ देख सकता हूं लेकिन कभी शक से नहीं देख सकता। तुम लोग उस तरफ से। असलम चल का मातम बना रहा है या फिर मेरी जीत का। भाई ये भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। आज खुद फंसा था, कल मुझे फंसा देता। पुलिस का बंदोबस्त देखा था, वहां पकड़े जाते ना तो 15-20 किलो लोहा डाल देते हमारे अंदर। जिमी ढीला पड़ गया होगा, पर वो गद्दारी नहीं कर सकता। देख असलम, अपना हिसाब क्लियर है। कोई काम आदमी अच्छा करे तो साले के लिए शैंपेन खोलो, बुरा तो उसकी खोपड़ी। आदमी की अच्छाई दब सकती है, मर नहीं सकती। आपने मुझे कीचड़ से उठाया था, मेरे लिए आप हमेशा हीरो रहोगे। सब माँ की आंख हीरो बनना चाहते हैं, लास्ट रील के लिए जीना चाहते हैं। आखिरी रील में घर बसेगा, माँ खुश होगी, लड़की मिलेगी, हैप्पी एंडिंग होगा। मैं वो हूँ जो पूरी फिल्म में सबकी माँ बहन करना चाहता हूँ, मजे लूटना चाहता हूँ। मुझे याद किए बिना तो अच्छे लोगों की मिसाल नहीं दी जाती। असलम विलन हूँ मैं, विलन। जाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तू अपना बच्चा असलम, तेरे मातम पे एक पैग एक्स्ट्रा लगाऊंगा, लेकिन साले तुझे मारूंगा जरूर। गलती करने वालों के लिए शोएब सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ता है, ऊपर का। Thank you.
अच्छा किया तूने मुझे बुला लिया। शोएब के टुकड़ों पे पलने का कोई शौक नहीं है मुझे। नो टेंशन, बॉम्ब लगाया बच गया, पुलिस से हाथ मिलाया उधर से निकल गया। अब साला कोई कुत्ता भी आके मुझे कहे ना कि मैं शोएब को काटूंगा तो उसे भी बाप बना दूंगा मैं। ले फिर हड्डी। ये कौन है? ये शोएब की नई लत है। अरे इसी लत तो वो रोज लगाता है, रोज छोड़ देता है। इस लड़की को अवार्ड मिला है सबसे खूबसूरत चेहरे का। चेहरा पर्दे पे आने से पहले सुर्खियों में आ जाए, क्यों? ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, शोएब। उसने कह दिया और सबने मान लिया। अच्छा, मतलब पत्थर दिल में दरारें पड़ने लगी है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। चाबुक हाथ में आ गया है, अब घोड़ा काबू में आ जाएगा। नो टेंशन। प्यार और दोस्ती के बीच एक मोहरा बन चुकी हूँ बाबा, अब मैं क्या करूँ? दोनों में फैसला करना बहुत मुश्किल है बेटी। पर दिल का तराजू जिसकी ओर झुके जीत उसी की होती है ना, है ना? ओ बूढ़े सही बोल रही है वो। कट कट, किसने किया ये? कौन बोला ऐसा? वेरी गुड जैस्पी, चलो आगे बढ़ते। कम ऑन, स्टार्ट साउंड 33/6 टेक 1 एक्शन। तभी तो इंसान की जिंदगी पर शक होता है, बस वही नहीं मिलता जिस पर हमारा हक होता है। ओके कट इट, क्या बात है, वेरी गुड जैस्मिन। थैंक यू सर। जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है तो मैं कौन होता हूँ। चलो सब लोग पैक अप, घर जाओ, बाकी कल काम। थैंक यू। चले। तुम फिर आ गए? अम्मी को पता चलेगा तो वो हमें घर से निकाल देगी। तू बोले तो तेरी अम्मी के लिए एक बढ़िया सा अब्बा ढूंढ दूं। हाय अल्लाह, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। सोच के बोलूंगा तो बात बुरा मान जाएगी। तुम जैसा आदमी पहली बार देख रही हूँ। और देखोगे भी नहीं, क्योंकि एक ही पीस हूँ, सिर्फ मैं। आजा आजा। चलो अब आ ही गए हो तो हमें शाहीन के घर छोड़ दो। मेरी गाड़ी में मीटर लगा हुआ है कि ड्राइवर मीटर डाउन करो और चलो। मैं तुमसे मिलने आया, छोड़ने नहीं। हमने तार भेज कर बुलाया था, फोन किया था, नहीं ना तो हमारा काम करो। ये तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जानती हूँ बहुत पावरफुल आदमी हो, लोग डरते हैं तुमसे। अब गाड़ी चलाओ, मुँह नहीं। ये कौन लोग हैं जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? शाहीन को अपने हीरो से मिलना है और वो तब तक नहीं जा सकती जब तक हम उनके साथ ना हो। उसकी अम्मी को हम पर बहुत भरोसा है। वारे वाह, उसकी माँ का भरोसा। प्यार में आदमी कटिंग चाय जैसा होता है, न प्यास बुझती है न मन भरता है। अच्छा, प्यार में आदमी क्रिकेटर जैसा होता है, दिल आउट हो जाता है, दिमाग अपील करता रहता है। अच्छा, प्यार में क्या हो गया तुम्हें? कब से प्यार का पहाड़ा पड़े जा रहे हो? फायदे बता रहा हूँ प्यार के। कल तक तो प्यार जहर लगता था, आज कैसे शहर टपक रहा है? प्यार में आदमी डबल जीता है। जब पूरी दुनिया सोई रहती है ना, तब भी वो जागे रहते हैं। हो गया ना डबल। लगता है टेलर साहब का दिल किसी के दुपट्टे में फंस गया है। अरे दिल ही नहीं, दिमाग भी। कल उसके ख्यालों में भिंडी बाजार से हाजी अली तक पहुंच गया पैदल। कौन है, कोई दोस्त? तो फिर प्रेमिका? प्रेमिका हट। तू कौन है? है अपनी आइटम। तो बता क्यों नहीं देते अपनी इस आइटम को, अपनी दिल की बात? बोल दूं? बोल दो। खुदा इतनी ज़हमत कर, बंदे पे थोड़ी रहमत कर। तुम आप हमारे
हम मेरे मैं क्या बोल रहे हो तुम? प्यार में लगता है जब सिर्फ बोलने लायक रह जाऊंगा तभी बोल पाऊंगा। तो अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं ले लेते? अरे अपने धंधे की सही है, जहां मिले दोस्त को जुगाड़, दोस्ती हो गई कबाड़। तुम्हारा धंधा और तुम्हारी कहावतें बिल्कुल मेल नहीं खाती। और ये क्या जुगाड़ आइटम? लड़की को लड़की कहते हुए शर्म आती है तुमको? प्यार में ना शाहिन आ गई, हम जा रहे हैं। अरे अरे जैस्मिन सुन सुन, ये जुबान की चुप्पी प्यार की पप्पी लेने ही नहीं देगी। मैंने उसे कहा कि मैं ड्राइवर हूं क्या, पर वो सुनती कहां है। उसके सामने जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खाली बंदूक लेकर शेर के सामने जाके खड़ा हो गया हूं। शुक्रिया। अब पता चला जब किसी के ऊपर जोर नहीं चलता तो कैसा लगता है। पूरी हिली भी पार्टी है, पता नहीं उसका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, मुझसे बकवास कर रही है। जिसने सारी दुनिया के नाक में दम कर रखा उसके उसके कान खींच रही है। ये लक्षण तो मुझे इसके आगे कुछ मत कहना। नहीं बोलूंगी, लेकिन ये ध्यान रखना जिसके कदमों में दुनिया रखना चाहते हो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दुनिया ही अलग हो। ऐसा होने से पहले मैं उसकी दुनिया पलट दूंगा। सितारों के कितने करीब हैं हम, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलूं तो मेरा जवाब दे देंगे। देखो तो कैसे आंख मार रहे मुझे। तुम्हें तो भगवान देख ले वो भक्त हो जाए, ये सितारे क्या चीज है। ऐसी बातें मत करो, हमें पाप लगेगा, हमें जमीन पर ही रहने दो। तुम्हारी मंजिल जमीन नहीं आसमान है। बचपन से ऐसे घर का सपना देखा था। तुम्हारा सपना मेरी नींद में आ गया था। क्या मतलब? यह शहर की सबसे ऊंची इमारत है, तुम्हारे सिवा इन सितारों के करीब कोई नहीं आएगा, जब चाहो छू लेना इन्हें। आज से ये घर तुम्हारा है। शोएब जी ऐसा मजाक नहीं करते। तुम्हें अपने सपनों की कीमत का अंदाजा नहीं है। जिन सपनों की कीमत हो वो सपने ही क्या। कीमत ठीक लगी हो तो सबसे पहले सपने ही बिकते हैं। कौन सी मिट्टी के बने हो तुम, चेक करानी पड़ेगी। तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। हमारे सपनों का महल बिकाऊ नहीं है, वो हमारी मेहनत से बनेगा। मेहनत से सिर्फ घर बनते हैं, सपनों के महल नहीं। देखो क्या नहीं है यहाँ, सब कुछ तो है। ऊपर सितारे सर के ताज की तरह, नीचे देखो पैरों में पाजेब की तरह। ये सब तुम्हारे लिए। हमारे लिए? लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। हम जा रहे हैं, अब हम ना ही मिले तो अच्छा होगा। ना मिले? हाँ ना मिले, लगता है आपने हमें गलत समझ लिया है। हमने गलत समझा? और नहीं तो क्या, हम आपको सिर्फ दोस्त समझते हैं। दोस्त? इस घर का क्या करूं मैं? हमें क्या पता क्या करोगे, बेच दो, जला दो, वापस कर दो। जला दो? मैं राख हूं राख, पर राख में तो आग भी नहीं लगती। तू उसमें प्यार की चिंगारी देके दोस्ती का नाम दे रही है हाँ? लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते शोएब जी। हाँ तो किससे करती हो ना बता मुझे, सब कुछ मिटा दूंगा, उसे भी और तुझे भी। याद रखना सितारों के टूटने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाने दीजिए शोएब जी। 5 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत उतारने में, 1 दिन में तेरा आता पता सब गायब हो जाएगा। याद रखना शोएब तो प्यार भी प्यार से नहीं करता। हट निकल। बहुत हो गया हंसी मजाक फैमिली ड्रामा, अब एक्शन शुरू। तेरी हीरोइन बहुत भोली है डीके,
हम उनके इतने बड़े फैन हैं, लेकिन उस पे हवा तक नहीं लगती। शोएब भाई, क्या कर रहे शोएब? क्या कर रहे शोएब भाई? हाँ, उसने मुझसे दुश्मनी की है, मुझसे, जिसे लोग दोस्ती करते हुए भी डरते हैं। लेकिन जैस्मिन तो सीधी साधी बच्ची है शोएब भाई। हाँ, इतनी सीधी है कि रावण से भी राम राम करवा दे। डीके, रावण राम राम नहीं करते, सीधा सीता को उठा लेते हैं। उठो, चलो, बंद करो मेकअप, पिक्चर बंद। पागल हो गया है वो। कौन? शोएब। शोएब? शोएब, वही गैंगस्टर। गैंगस्टर शोएब? अरे, बंबई का सबसे बड़ा गुंडा है वो शोएब। हमारा पूरा सेट तोड़ दिया उसने। तुमने कभी नाम नहीं सुना उसका? खुद नहीं आई तो इस रावण से बचाने के लिए कोई राम नहीं आने वाला। बैकअप, बैकअप। ये क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया बेटी? हमें नहीं पता था शोएब हमारी दोस्ती को प्यार समझ बैठेंगे। अगर आदमी को दोस्ती और प्यार का फर्क मालूम होता तो कभी कोई दिल खट्टा नहीं होता। तुम इस शहर में नहीं हो, बात को समझ नहीं रही हो। इस शहर का सब कुछ शोएब है और अब तुम्हारा सब कुछ शोएब है, दोस्त भी और प्यार भी। और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शोएब। आपके शहर में पुलिस नहीं है क्या? पुलिस भी है और उसे पकड़ना भी चाहती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई और होता तो मैं हर कदम तुम्हारे साथ लड़ता, लेकिन आई एम सॉरी। गुड लक। रेडियो के बड़े भाईजान, इस पर गाना कितनी भी तेज आवाज पर सुनो, कोई दूसरा तंग ही नहीं होता। वॉकमैन कहते हैं इसे। ये देखिए ना आपा, झूमर बिल्कुल वैसा ही है ना, वो फिल्मी घरों के जैसा है ना। बस कोई भी नई चीज दिख जाए ना, एक ही दिन में पुरानी करनी होती है। अरे, ये सब तुम्हारे दहेज में काम आ जाएगा। चलो कर दो सब बंद। बेटा, जिन चीजों के लोग सपने देखते हैं हमें उनके लिए एक पलक भी नहीं छपकानी पड़ी। किसने दिया ये सब? कोई शोएब ने भेजा, शायद वो तुम्हारा फैन होगा। ये सब चमक धमक देखकर अंधे हो गए आप लोग। इसके आगे पीछे क्या है कुछ समझ में आता है आपको? कुछ नहीं चाहिए इसमें से। नहीं, अरे नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं जानती शोएब को, गैंगस्टर है वो, गुंडा है। उसने हमारी फिल्म तक बंद करवा दी। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। सारा सामान वापस कर, सब कुछ वापस कर। ठीक है बेटा, हम सारा सामान वापस कर देते हैं। पर तू बोल रही है कि वो गैंगस्टर है, तो क्या वो चुपचाप सारा सामान वापस ले लेगा? तुम कह रहे हो वो खतरनाक है, तो फिर तुझे क्यों नहीं डर लग रहा? किसके भरोसे इतनी हिम्मत दिखा रही है तू? देखो बेटा, जो भी हो समझदारी से कदम उठा, क्योंकि
क्योंकि बुराई से मुंह मोड़ लेना आसान है, पीछा छुड़ाना नहीं। अलग लग रहा हूं ना धांसू? वो क्या है ना, अंदर की बात बोलनी हो तो बाहर से सही लगना चाहिए। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, बहुत जरूरी। लेकिन पहले मेरा नंबर है, बड़ी मुश्किल से लाइनें याद की हैं, कुछ आगे पीछे बोल दिया तो सॉलिड गड़बड़ हो जाएगी। बहुत खुश लग रहे हो आज, कुछ ऐसा मत कह देना कि रोना आ जाए। अरे मेरी जगह से देखो, कैंडल की रोशनी में तेरी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे पुलिस जीप की हेडलाइट। इन आंखों में आंसू लाकर गिरफ्तार होना है मुझे। असलम, नहीं रोक मत, रोक मत। वो क्या है ना, लोगों को जहां अटैक आता है अपने को वहां प्यार आ गया है, और वो प्यार को मैं असलम आज की बात हम नहीं मिल सकते। मजाक कर रही हो? तुम समझते क्यों नहीं, मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है, अखबार में इश्तिहार तक दे चुकी है, कश्मीरी पढ़ा लिखा बड़ा आदमी, मेरे बारे में सब कुछ लिख भी चुकी है। सब कुछ लिख दिया? सब कुछ ये लिखा कि तुमने सुख नहीं सपने देखे, ये लिखा कि तुम वो मन्नत हो जो मिन्नतें करके पूरी होती है, ये लिखा है कि इस चांद को सितारे बहुत पसंद हैं, कि तुम असली दोस्ती की परख सिक्का उछाल के कर लेती हो, ये लिखा है कि तुम वो ख्वाब हो जो किसी की भी नींद उड़ा दे। नहीं असलम, ये सब नहीं लिखा है क्योंकि कोई ये मेरे बारे में जानता ही नहीं, ये सब मेरी रूह तक को पता है। या भाई आप कब से किताब पढ़ने लगे? यार अपने को बोलना नहीं आता ना, और लड़की को जब तक ठीक से नहीं बोलो साली भाव नहीं देती है। भाई यही प्रॉब्लम है हाँ लड़कियों की, हम साले दिल फ्री में देते हैं वो भाव भी नहीं देती। क्या हुआ, जला जला सा घूम रहा है तू? हाँ लग गया भाई जैक, पानी भी नहीं उतर रहा गले से। आज आप जो पिला दो, रम विस्की कुछ दे दो। गया एक और आदमी काम से। भाई एक बात समझ में आ गई है, साला आदमी की जिंदगी को स्वर्ग औरत बनाती है और आदमी को स्वर्गवासी भी औरत। असलम प्यार बहुत बड़ी गुगली होती है, मिल जाए तो बादाम वरना साली मूंगफली भी नहीं होती। क्या भाई आपको क्या टेंशन है, आप जिस लड़की को प्यार से देखो वो व्रत रखना शुरू करती है। सही बोल रहा है। चल बता कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या करती है? अरे बोलना, चुप क्यों है? अच्छा उसका नाम बता, उठवा लेंगे उसको। चल बता। नाम बता दिया तो किस्सा बन जाएगा, और ये जो प्यार के किस्से होते हैं बहुत कम लोगों के हिस्से होते हैं। आप बोलो आप किसको दिरकहा लिख रहे हो? है एक अपनी भी नई हीरोइन आई है, नाम उसका हेलो। असलम तेरे और उस लड़की के तार मिले ना मिले,
तेरे शोएब की घंटी बज चुकी है, जा उसको लेके। 52 नंबर बिल्डिंग में रहती है एंटॉप। जा। सुन, कौन सी बिल्डिंग में रहती है? 52 एंटॉप हिल। बराबर। और सुन, ध्यान से लाना, तेरी भाभी। तुम यहां तक पहुंच गए। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम यहाँ पे क्यों आए हो असलम? अल्लाह के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया। क्या मतलब? शोएब भाई ने भेजा है, तुम्हें लेने आया हूँ। तुम शोएब के लिए काम करते हो? शोएब भाई तुमसे प्यार करते हैं? जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, पर खून काफी निकल चुका है, इसलिए बेहोश है। जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर इसको कुछ हुआ ना तो तेरा पोस्टमार्टम पक्का। ए, इधर आ। चल तेरे को समझाता हूं। प्यार हो गया ना तुझे इससे, ना तू इस लड़की को छोड़ सकता ना मैं। क्या? हम दोनों जैस्मिन को बहुत चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा किसने बोला? मैंने बोला। तू और मैं और बीच में जैस्मिन। हो गई ना लड़ाई शुरू? हाँ? नहीं भाई। अबे सच में ना सही, पर रावल को बिल से निकालने के लिए तो ये ड्रामा हो सकता है? मैं समझा नहीं। रावल के कानों तक ये बात पहुंचानी है कि जैस्मिन की वजह से तू मेरे खिलाफ हो गया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बात सुनते ही तुझसे हाथ मिलाने जरूर आएगा। जैसे ही रावल हाथ मिलाने आएगा, फटाक करके हम लोग उसको पकड़ लेंगे। क्या बोलता है भाई? सबके बीच में जैस्मिन को लाने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है कि प्यार के सामने दोस्ती हल्की पड़ जाती है। असलम, प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ। असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई कभी माफ नहीं करेगा। तो वही बात हो गई, जब देवर की मौत आती है तो उसे भाभी अच्छी लगने लगती है। असलम ने अगर उस तरफ देखा भी ना तो शोएब भाई उसकी आंखें निकाल लेंगे। लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। पागल हो गया, उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। भाई की हाथ लग गया तो असलम खत्म। असलम ने गलत रास्ता चुन लिया। फैसला कर लिया मैंने, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। कहानी खत्म। जो बात तुमसे करना चाहता था मैं खुद से भी नहीं कर सकता। कि मैं तुमसे बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। ये जो लंगोट ढीली की है ना असलम ने, तू देखना
शोएब भाई उसी से उसकी गर्दन टाइट कर देंगे। यार पूरी दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली उसे, भाई के प्यार पे नजर यार। असलम ने वफादारी गद्दारी में बदल दी। भाई उसका सिर काट देंगे। भाई क्या मतलब क्या, तो असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई उसके पैर काट देंगे। अपनी लाइन की एक सेइंग है, जहां तीन का तिगड़ा वहां काम बिगड़ा। मेरे साथ ही होना था। जिस भाई ने सर पर हाथ रखा उसी का दिल दुखाने लगा था। गुनाह कर दिया यार, बस एक बार तो जो होश आ जाए ना, भाई को रावल मिल जाए, फिर अपना तो थैंक यू और टेक ली। क्यों भाई छोटे, खबर पक्की है क्या? सुना शोएब का वजीर उसका दुश्मन हो गया है। 100% पक्की खबर है। वो असलम मेरे पास भी आया था, लेकिन अपन को शोएब के साथ कोई मचमच नहीं चाहिए। जब जासमीन पे गोली चलाई तब दोनों साथ में ही थे। पहले पता होता तो मारने की जगह हाथ मिला लेता। खैर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब सही। नो टेंशन। बड़ा अड़ियल है ये दिल। कितना समझाने की कोशिश की कि तुमसे अलग रहना होगा, पर ये मान ही नहीं रहा। दो नाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ भाई, एक तरफ तुम। असलम तुम ही हो? फोन है तुम्हारा। फोन पे हाथ बढ़ा रहा हूं, मिला ले, तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी। कहाँ घर चाहिए, कौन सी गाड़ी, कितने पैसे, बस सिर्फ ये बता दे कि शोएब का है। उसके बाद तू और जासमीन भी आजाद, मैं भी। शोएब से गद्दारी का मतलब तुझसे बेहतर किसे पता है, फिर भी मुझे खिलाफ जाने को कह रहा है। खिलाफ तो तू उसी दिन हुआ था जिस दिन जासमीन के करीब गया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। असलम तू अच्छा बच्चा है, देख तू कल शोएब के लिए जासमीन को छोड़ भी देगा तो भी वो तुझे माफ नहीं करेगा। जब उसे मन मार के शोएब से प्यार कर रहा होगा, तुझे इनकी लंबी नींद सोया होगा। नो टेंशन। जब रोने के लिए उसे तेरे कंधे की जरूरत होगी, तू पहले ही चार कंधों पे उठ चुका होगा। नो टेंशन। शोएब रास्ते से हट गया तो जिंदगी भर तुझे। नो टेंशन। असलम, हेलो, सुन रहा है तू? असलम सुन रहा हूं। तो बता कहां है शोएब? होटल शीश में 503। मार दे साले को। मैं नहीं जानता मैंने जो किया वो सही था या गलत, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
मारेगा तू मेरी जैस्मिन को। हिम्मत कैसी हुई तेरी? बोल, बोल। अगर तू मुझसे बंबई मांग लेता मौत दे देता मैं तुझे। जैस्मिन पे गोली चलाई तूने, बस अब खत्म। आज के आज ही बंबई छोड़ के निकलना होगा। इतने सारे लोगों ने देखा है तुम्हें उसका खून करते हुए, और वैसे भी रावल मर गया, काम पूरा हो गया, बात खत्म। थोड़ी देर में हर जगह पुलिस का पहरा होगा, पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी होगी भाई। और ये पुलिस, अरे क्या रे तू बार बार पुलिस पुलिस करते आ रहा, पागल है क्या तू? अकबर वो पुलिस स्टेशन के आगे रोक। क्या कर रहे हो भाई, यहां बहुत खतरा है। चुप। गाड़ी चालू रख, मैं आता हूं। यस सर, खबर बिल्कुल पक्की है सर, मरने वाला रावल ही है, और शोएब की शिनाख्त हो चुकी है सर, उसी ने उसे मारा है। मौका ही वारदात पर दो जीप भेज चुका हूं सर। सावंत सर का ऑर्डर है कि फौरन नाकाबंदी का इंतजाम किया जाए, इस बार शोएब निकलना नहीं चाहिए। इतने रंगीन आदमी की ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जावेद को बोल के नहीं भिजवाता हूँ। आज सब लोग एक एक पैक ज्यादा पियेंगे। दोनों जहां जीत लिया, दिल भी दुनिया भी। भाई हुसैन के असलम को मत बुलाना। क्यों? रंग में भंग कर देगा साला, अलग ही दुनिया में है आजकल। मेरे पास भी आया था वो, बस कुर्ता फटा हुआ नहीं था, बाकी तो मजनू का भांजा लग रहा था वो। भाई वो थोड़ा परेशान है आजकल, बहुत चाहता है उस लड़की को। है कौन ये लड़की, हाँ कैसी है? नहीं वैसे तो बहुत अच्छी है लड़की, पर ऊपर का माल थोड़ा खाली है। ये असलम एक दिन उसको गलती से बता दिया कि वो जहाँ तक पढ़ी है उसको अंग्रेजी में इंटरकोर्स कहते हैं। सच मान ली, बोलती फिरती थी कि मैंने ये वाला कोर्स किया है, मैंने वो वाला कोर्स किया है। नाम क्या उसका? क्या हुआ भाई? नाम क्या उसका? जैस्मिन। 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हमें यहाँ से निकलना होगा असलम, हमारी मदद करो। देखो डरने की कोई बात नहीं है, शोएब भाई है ना? शोएब कहाँ है वो? वो आएंगे, वो आएंगे। नहीं इससे पहले वो यहाँ पहुंचे, ले चलो मुझे कहीं दो, मदद करो हमारी, बचा लो हमें शोएब से। क्या? मुझे शोएब से आजादी दिला दो असलम, या फिर यही जहर का इंजेक्शन देके मार डालो हमें। पता नहीं कब से मेरे खिलाफ जहर भर रहा होगा जैस्मिन के कानों में। सांप की तरह कुचल दूंगा साले को। जिंदगी खराब करने से तो अच्छे से मिटा ही दूं। हमें डर लगता है शोएब से। तुम्हारे प्यार ने उन्हें बदल दिया है। नहीं असलम, शोएब जैसे इंसान का मिजाज बदल सकता है, फितरत नहीं। उसकी फितरत में ही धोखा था साला, जिस दिन मैंने उसके सर पर हाथ रखा था उस दिन भी साला किसी को धोखा दे रहा था। जैस्मिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं जानता हूँ। जैस्मिन से प्यार होगा, जबरदस्ती से प्यार होगा, वहाँ प्यार नहीं होता, नहीं हो सकता वहाँ प्यार। शोएब भाई तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारा हर सपना देखने से पहले पूरा कर सकते हैं वो। शायद तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे असलम, पर इतना समझ लो वो मुझे छीन सकता है, पा नहीं सकता।
जिस तरह बंबई जीता है दोबारा, उसी तरह जैस्मिन को भी जीत लूंगा। शोएब से इसलिए मिलने जा रही थी ताकि उसके सामने अपनी जान दे सकूं, साबित कर सकूं कि मैं कोई शहर नहीं जिसे वो जीत सकता है, अपनी मुट्ठी में कर सकता है। शोएब भाई से ब्याह नहीं करती, मुझे भी लाल झंडी दिखा रही है, चक्कर क्या है? कोई चौथा है क्या? तुमने ना इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ो। अब? अब क्या? तुम्हें लगता है मैं ऐसे किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो जाती हूँ? शोएब की खबर हमें मुखबिरों से मिल जाती है, अगर यह हाथ से निकल गया तो कल इसी खबर के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने होंगे। यह आखिरी मौका है उसे रोकने का सावन। सारे हाईवेज, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स हमारे घेरे में है सर। रावल को मारने के बाद शोएब का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वो बंबई छोड़कर भागने की कोशिश करेगा जरूर, मगर कामयाब नहीं हो पाएगा। असलम, ये कैसे हो गया? सब ठीक तो है ना? चाचा, जैस्मिन का ध्यान रखना, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम? मेरा और शोएब भाई का रिश्ता खून से बढ़कर है, गुस्से में दो चार थप्पड़ मार लेंगे पर जान थोड़ी ना लेंगे। खल्लास, अब भाई और जैस्मिन की शुरू। We'll be right back.
12 साल की वफादारी एक गोली से खत्म कर दी। अगर अब बात जिद की आ गई है तो मैं भी जब तक जिंदा हूं जैस्मिन के लिए जिंदा हूं। दफन तो सबने होना है एक दिन, जीते जी दब गया तो जीना मिट्टी है। असलम, गलती मेरी ही थी जो अकबर को भेजा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब तुझे कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि साले तुझे तो मैं ही मारूंगा। ठीक है, फिर आप अपनी बात पे कायम रहना और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। भाई अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब रिश्ते इतने कमजोर हो गए तो उन्हें खत्म करने में ज्यादा वक्त चाहिए भी नहीं होता है। असलम को मैं संभाल लूंगा, जासमीन को भी ले आऊंगा। आप निकलिए यहां से, हर दूसरे कदम पे चार चार पुलिस वाले खड़े हैं। इस वक्त आपका डोंगरी जाना सही नहीं है। बंद कर दो डोंगरी को, हर आते जाते रास्ते पर लिख दो यहां कानून का आना जाना मना है। जाओ। जी भाई। शोहेब रुक जाओ, शोहेब मत करो ये सब। अपनों से जीत कर भी हार ही मिलती है। अब उसे छोड़ दिया तो दुनिया हंसेगी शोहेब पे। तुम्हें दुनिया की पड़ी है, जैस्मिन का सोचो। जैस्मिन सिर्फ मेरी है। असलम ने महंगे शौक पाल के अपनी जिंदगी सस्ती कर ली है। प्यार की लड़ाई पाक होनी चाहिए शोहेब, तुम पाप कर रहे हो। असलम को मारू के जैस्मिन ऐसे ही मर जाएगी, और अगर जिंदा भी रही तो उसकी जिंदगी भी मेरी तरह खराब कर दोगे। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की है, घर कपड़े जेवर ये सारे कीमती सामान मैंने दिए तुम्हें। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया, खुशियां दी लेकिन बांटने वाले नहीं, तोहफे दिए लेकिन तारीफ करने वाले नहीं, आसमान पर बिठाकर मेरी जमीन छीन ली तुमने। इतना दुख हो रहा है तो बोल, तेरी सांसें बंद कर दूं? कर दो, मार दो मुझे भी। यही सीखा है ना तुमने, जो तुम्हारे सामने सर उठाए उस सर को काट दो। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, थक गई हूं मैं भागते हुए छुपते हुए लोगों के ताने सुनते सुनते। आज अगर तुम नहीं रुके ना शोहेब तो कल मेरी जगह जैस्मिन होगी। किसी की इतनी बद्दुआ भी मत लो कि लोग दुआओं में तुम्हारी मौत मांगे। तुमसे ये कहना कि अच्छे बन जाओ तो बेकार है, लेकिन हो सके तो किसी एक की जिंदगी बख्श दो, किसी एक कहानी में तो हीरो बन जाओ। अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। जावे तो बेहतर होगा। ये प्यार के पंगे हैं चाचा, इसमें प्यार से कुछ नहीं होता। तू अपनी हालत देख, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, शोएब का सामना कैसे करेगा? हिम्मत को आगे बढ़ने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। साहब डोंगरी में है।
जब मिला था तो मेरे घुटने तक आता था, आज तुझे तेरे घुटनों पे लाना होगा। आठ आना डाल के दो कौड़ी की धमकी तो कोई भी दे सकता है, सामने आए तो तुम दबा ली। हाँ असलम, वफादारी तो तूने निभाई नहीं, कम से कम मर्दानगी तो निभा। उठ उठ असलम, मार मुझे। उठ अपने प्यार की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। में कोई सेइंग नहीं है क्या तुझ जैसे कायर के लिए? हाँ असलम बोल, बोल असलम बोल। देख देख तेरा प्यार देख रहा है, देख उधर कायर। Thank you.
कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखे जाते हैं। इस शहर को तो मुट्ठी में कर लिया, पर यह दिल रेत की तरह हाथ से निकल गया। मैं लड़ भी नहीं पाया और हार भी गया। पता है, खुद को आईने में देखकर चुपके चुपके हंसता था। अब तेरा नाम ले लेकर मेरा खौफ मेरी खिली उड़ा रहा है। बचपन से आज तक इस शहर ने हर हक दिया, लेकिन देखो, बात प्यार की आई तो सौतेला कर दिया और बुरा मुझे कहते हैं लोग। अब अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो मेरा गुरूर हार जाएगा।